पे भी हम सब बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे जो स्पीकर हैं प्रोफेसर अहलूवालिया साहब, वो आज एक बहुत ही खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और ये सारा प्रोग्राम जो है लाइव भी फेसबुक पे देखा जा सकता है। मैं लाइव का बटन अभी दबाने वाला हूँ, आपको पता लग जाएगा जब लाइव जाएंगे तो। ऑडियंस को मैं बिल्कुल एड्रेस करूँगा एक बार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी का, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। प्रोफेसर अहलूवालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही जुड़ चुके हैं बहुत बढ़िया सुनने वाले, देखने वाले और बातों पर चर्चा करके मनन करने वाले ऑडियंस भी। आज का जो हमारा विषय है वो है पैट्रियोटिज्म के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, और किसके कंटेक्स्ट में? हिमालयन जियो हेरिटेज के कंटेक्स्ट में। बहुत ही बड़ा कंटेक्स्ट है और इसके लिए चर्चा बार बार होनी जरूरी है। तो आज हम एक चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, उस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अहलूवालिया, जिनको मैं इस मंच पे स्वागत करता हूं। सर, अब ये मंच और माइक आपके पास है, और जितने लोग जुड़ते जाएंगे उनके लिए मैं एक आग्रह करूंगा कि बीच में माइक प्लीज ऑन ना करें। जब आपसे आखिर में इंटरेक्शन होगा, जब सर आपको पुकारेंगे कि आज बातचीत कर सकते हैं, तब प्लीज अपना माइक आप ऑन करें। जितने लोग जुड़ चुके हैं उनका स्वागत है। मैं अरुण बंसल, साथ साथ मेरा ड्यूटी ये रहेगी कि मैं जितने लोग आएंगे उनको साथ साथ एडमिट करता चलाऊंगा, और उनकी कोई अगर टेक्निकल दिक्कत आती है तो मेरे से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, अपने प्रश्न चैट में भी लिख सकते हैं, जिनको आखिर में पढ़ा जाएगा। सर, मंच और माइक आपके पास। नमस्कार। हम बहुत ही गंभीर मुद्दा है हिमालयन जियो हेरिटेज का। ये 8-9 साल से इसको बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। कुछ ऐसा हो गया कि जिन रोड सेक्शंस की आउटक्रॉप्स को तकरीबन 200-250 साल से भूवैज्ञानिक इस देश के और विदेश के सड़क पे देखते थे, सड़क एक्सपोजर्स का एक फायदा रहता है कि बड़ा एक्सपोजर रहता है और कंटिन्यूअस रहता है। वैसे तो जियोलॉजिस्ट स्लोप पे भी चलेगा, किसी ट्रैक में भी चलेगा, रिवर सेक्शन में भी चलेगा, और अगर साउथ इंडिया में है एक्सपोजर्स कम है तो जैसे डेक्कन वॉल्केनिक्स में प्रभात सिन्हा हमने जो वेल्स खोदे जा रहे थे उसमें भी सीढ़ी से जाके हम डेक्कन वॉल्केनिक्स के लेयर्स को देखते थे। और दूसरा एक माध्यम सबसे बढ़िया है वो है कि ड्रिल कोर का जो है उसमें भी सेक्शन देखा जाता है। सो जियोलॉजिस्ट के लिए कहीं से भी एक एक्सपोजर को देखने का कोई भी माध्यम हो वो उसको नहीं छोड़ता। सो इजिएस्ट जो होता है, जो स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक है, बुजुर्ग भूवैज्ञानिकों के लिए भी ठीक है, नौजवानों के लिए भी ठीक है, शुरुआत हमेशा एक हाईवे से होती है। आजकल लोग कहने लगे हैं कि खाली हाईवे जियोलॉजी इज नो जियोलॉजी। बिल्कुल सही है, खाली हाईवे जियोलॉजी इज नो जियोलॉजी। हम हमेशा इधर इधर गहरा जाके ऊपर जाके देखेंगे, नीचे से हर पहलू से हम भूविज्ञान को देखेंगे, क्योंकि हमारा भारतवर्ष का जो भूविज्ञान है बहुत ही महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। एक सब कॉन्टिनेंटल कंट्री है, और हम जब भारत के भूविज्ञान की बात करते हैं तो हम खाली भारत के भूविज्ञान की बात नहीं करते हैं। हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट का एक एक विजन होता है जिसमें हम बात करते हैं। हमारे भारत में 4,000 मिलियन ईयर्स का भूविज्ञान का इतिहास है। उस इतिहास में कॉन्टिनेंट्स के बनने बिगड़ने का पूरा हिसाब किताब है। और शुरू का टाइम जो आर्कियन टाइम था उसमें ये वाले इधर की रॉक सारी की सारी पुरानी है, और उसके बाद में उससे यंगर ये राजस्थान वाली रॉक्स भी पुरानी वाली हैं। तो हिमालय की जो चट्टाने हैं, हिमालय की हाइट जो है 1 करोड़ साल पहले इस हाइट तक हिमालय पहुंचा था। इसका जो राइज था, इसका बर्थ था, वो शुरुआत हुई थी तकरीबन 5.5 करोड़ साल पहले, जब इंडिया एक आइलैंड लाइक वो था, बिग बिग वेरी बिग आइलैंड, ट्राइंगुलर टाइप का आइलैंड, अभी स्लाइड में आपको दिखाया जाएगा। वो जब तिब्बत के साथ में बड़ा स्लो मूवमेंट हो रहा था, काफी देर से हो रहा था, डायनासोर के काल में वो टूटे थे कॉन्टिनेंट्स, और इंडिया का मूवमेंट नॉर्थ की तरफ शुरू हुआ था। और उस जब वो वाली बात मैं करूंगा नहीं अभी, कि डायनासोर भी उस उन कॉन्टिनेंट के साथ बिखर गए थे। उनकी कोई भूवैज्ञानिक समझ नहीं थी, और ना ही हमारे पास जो ब्रेन की इंटेलिजेंस होती है वो फॉसिलाइज होती है, तो उसकी हमें हम कोई अंदाजा ही कर सकते हैं कि क्या उन्होंने महसूस किया होगा। पर आखिर में
धरती के इतिहास की सेकंड बिगेस्ट वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, जो तकरीबन 40,000 साल तक चली थी, और हमारा 20% एरिया भारतवर्ष का, ये जो सेंटर वाला पार्ट है इधर में, वेस्ट सेंटर एंड साउथ, ये पूरा का पूरा डेकन वॉल्केनिक्स के फ्लड बेसॉल्ट से ढका हुआ है। उसकी थिकनेस जो है 4.5 किलोमीटर तक है, और इसमें पूरी दुनिया की रुचि है, बिकॉज इस भारत भारत के, हम ये नहीं कहेंगे कि खाली भारत के भूविज्ञान में दुनिया की रुचि है, भारत की दुनिया भर के भूविज्ञान में रुचि है, और दुनिया भर के भूवैज्ञानिकों की भारत के भूविज्ञान में रुचि है। पर सबसे ज्यादा रुचि और रोमांस किस में है, वो हमारे ये हिमालय पर्वत में है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे नवीनतम और सबसे डायनामिक माउंटेन चेन है। तो इसमें जो जो हमें भूविज्ञान का इतिहास दिखता है, वो हिमालय की चट्टानों में 1900 मिलियन ईयर्स का, हम करोड़ों में बात करेंगे, 190 करोड़ साल का इतिहास इन चट्टानों में है। वो उस इतिहास में क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटी का इतिहास है, क्लाइमेट चेंज का इतिहास है, शुरू की जो सेकंड स्नोबॉल इवेंट थी उसका इतिहास है, और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का इतिहास है, जो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ उससे पहले की जो प्रिमिटिव लाइफ थी उसका इतिहास है, खनिजों का इतिहास है, और सबसे बड़ी बात ये हिमालय का जो हरा भरा सौंदर्य है, ग्लेशियर्स के आने का इतिहास है, और मानसून की उत्पत्ति का इतिहास है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे मतलब की हो या हमारे ना भी मतलब की हो, जो कुदरत का एक धरोहर हो, जो हमारे को इस पूरे भारतवर्ष की चट्टानों में, हिमालय में नहीं मिलता, जिसमें दुनिया भर के भूवैज्ञानिकों की रुचि ना हो। तो क्यों मैंने ये मुद्दा लिया है हिमालयन जियो हेरिटेज का, वो हिमालयन जियो हेरिटेज जिस माध्यम से हम लोग बड़ा क्विक एक दिन में जाके भी वापस आ सकते थे, आधे दिन में भी जाके वापस आ सकते थे नजदीक के सेक्शन, हमने 56 साल पहले अपने गुरुओं के साथ इसी सेक्शन में भूविज्ञान सीखना शुरू किया था। तो आज उस भूविज्ञान की जो जियो हेरिटेज है, जो रॉक्स हैं, उनको खतरा हो गया है। अब आप कहिएगा खतरा कैसे हो सकता है चट्टानों को, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा खतरा कैसे हो सकता है। बड़ा जबरदस्त खतरा है, नौसिखियों से खतरा हो गया है, जिनको ये समझ नहीं, सड़क बनाने वालों को, कुछ लोग कहते हैं ऐसा ना कहना वो तुम पे इज्जत का मुकदमा कर देंगे, मैं कहा भैया भगवान करे कर दे, ताकि हम इनसे पूछें कि आपने हिमालय में इतने हाई माउंटेन चेन में एक्सप्रेस वे बनानी शुरू करी, बड़ा अच्छा किया, 4 लेन, वैसे तो 2 लेन को अच्छे से मेंटेन करते, कुछ टनल्स बना लेते, कुछ रोपवेज बना लेते, रोड पे ट्रैफिक थोड़ा कम कर लेते, कुछ ट्रैक्स एंड ट्रेल्स अलग से इधर उधर से पैदल के रास्ते निकालते, तो ज्यादा जियो टूरिज्म होता, इको टूरिज्म होता, आनंद होता, हिमालय में लोग बसते चलते। पर वो फैसला है तो फैसला है कि हमने 4 लेन एक्सप्रेस वे बनानी है, पर आप 4 लेन बनाइए, 8 लेन बनाइए, पर जो प्राइमरी सिद्धांत होता है सड़क बनाने का वो ये है कि जो स्लोप आप काटेंगे वो इस एंगल का होगा, 40-45 मैक्सिमम 50, ये डिपेंड करेगा कि रॉक्स की डिप जो है वो कैसे है, परपेंडिकुलर टू रोड है तो जरा ज्यादा एंगल भी चलेगा, और अगर रोड की तरफ है ऐसे इधर ही को आ रहा है डिप भी और स्लोप भी, तो थोड़ा सा हमें शैलो करना होगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी, आई एम ग्रेटफुल, आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड दैट नितिश दत्ता, माय ओल्ड फ्रेंड, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे, अ फेमस जियोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इज प्रेजेंट इन दिस ऑडियंस टुडे। सो ये हर कोई इस बात को मानेगा कि ये बेसिक सिद्धांत है, इस पे कोई भूवैज्ञानिक तो करेगा ही नहीं, किसी इंजीनियर को, किसी ठेकेदार को इसमें कोई रद्दो बदल करने का हक नहीं है। करे मैं ये रहा जो मैंने आपको कहा था कि हिंदुस्तान का जो हमारा जियोलॉजिकल मैप है, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बनाया हुआ ये पुराना मैप है जो मैं दिखा रहा हूँ, बहुत लेटेस्ट मैप आ चुके हैं इसी, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ही
शुरुआत करी थी मैंने अपने करियर की 1972 से 1982 तक। उसी दौरान मैं नीतीश दत्ता जी के साथ में LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में 4 महीने हम इकट्ठे थे। बहुत पुरानी बात है, 74 से आज 56 साल हो गए, 46 साल हो गए। तो ये कहानी उस वक्त भी हम करते थे जब हिमालय में घूमते थे, आज भी हम कर रहे हैं। ये रहा वो डेकन वॉल्केनिक प्रोविंस जो 6.5 करोड़ साल पहले ये बड़ा भारी इरप्शन हुआ, हजारों साल होते रहा और लावा की बाढ़ आती थी। ये जो आपको मार्जिन दिख रहे हैं ये कट गए हैं, काफी सारा इरोजन होने के बाद में ये इतना बचा है। इसके नीचे ये जो बहुत ही खनिजों भरा हिंदुस्तान का ये पेनिनसुलर इंडिया है, इसके नीचे बहुत सारे खनिज दबे हैं। हम उस उनकी उनकी माइनिंग बहुत बाद में जाके अगर वो इकोनॉमिकल होगा तो होगी, बट पूरा का पूरा हिंदुस्तान ये भूविज्ञान के इतिहास का बहुत ही रोमांचक एक अद्भुत जियो हेरिटेज है। सो जियो हेरिटेज मेरे को अभी मालूम हुआ है कुछ दिन पहले, मैंने बात करी थी पैलिंटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट साहब से, प्रोफेसर महेंद्र पाल सिंह से। उन्होंने बताया कि अरुण जो तुम हिमालय की बता रहे हो यही कच्छ में हो रहा है, यही जहां जहां एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उन लोगों को कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जियोलॉजिकल सर्वे से, जो एक नोडल एजेंसी है और भी जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से हो सकती थी, किसी भी जियोलॉजी रिसोर्स इंस्टीट्यूट से कोऑर्डिनेशन हो सकती थी, वो उनकी मेंटोरिंग कर सकते थे कि आप इस सिद्धांत से बनाएंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह हुआ है कि 10 साल तकरीबन हो गए हैं, इतनी बड़ी खुदाई हो रही है, इतनी बड़ी धरोहर निकल रही है और वो सब की सब इधर उधर फेंक दी गई है। उसको पूरे देश में हर पंचायत के लेवल पे हम लोग नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बना सकते थे, खनिज रख सकते थे, फॉसिल्स रख सकते थे, रॉक्स रख सकते थे, क्रिस्टल्स रख सकते थे और जो जो एक ज्ञान का स्रोत था शुरुआत कर सकते थे बिना एक चवन्नी खर्चे। तो वो एक बड़ा भारी भूल हो गई है। अभिप्राय इस टॉक का कोई दोष निकालना नहीं है, एक मिड टर्म करेक्शन का है कि आइए जो रह गया और जो अब हो सकता हो, जिसको समेट सकते हो, आइए हम पूरे भारतवर्ष की, पूरे हिमालय की जो चट्टानों की, जीवाश्मों की, क्रिस्टल्स की, खनिजों की धरोहर है जो इस मलबे में निकल रही है और आने वाले सालों में निकलेगी, उसको हम हर पंचायत के लेवल पे एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बना दें। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब अगर आपने भारतवर्ष को भूविज्ञान के मामले में सिटीजन साइंटिस्ट क्रिएट करने हैं तो वो गांव में होंगे, गांव के स्कूल में होंगे और शहरों के स्कूल में होंगे, वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, CSIR के, DST के नहीं होंगे। हम वहां पे उनको बनाएं, चढ़ाएं थोड़ा सा, उनका हौसला चढ़ाएं और उनका ज्ञान चढ़ाएं थोड़ा सा, तो अगली आने वाली पीढ़ी, इनफैक्ट जितने जियोलॉजिस्ट हमारे देश में हैं, जितने एनवायरमेंटलिस्ट हमारे देश में हैं या दुनिया में हैं, हमें उससे 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा चाहिए। इतनी बड़ी है धरती, इसकी जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है वो नहीं हो सकती छोटी सी संख्या से। भारतवर्ष का दुर्भाग्य यह है कि हम सारी यूनिवर्सिटीज में, सारे कॉलेजेस में, सारे स्कूल्स में शुरू से लेके आखिर तक जियोलॉजी की ऑप्शन ही नहीं देते, पढ़ाते ही नहीं। हमारे देश में इवन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, इवन मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में लोग जियोलॉजी डिपार्टमेंट पहुंचते हुए जूलॉजी पहुंच जाते हैं, बिकॉज पंजाबी में जूलॉजी जूलॉजी एक ही तरह से लोग बोलते हैं। बट वो दुर्भाग्य खाली बोलने का नहीं है, वो दुर्भाग्य है ज्ञान की कमी का, एक चेतना की कमी का, एक एक्सपोजर की कमी का। सो एक ये जो नक्शा है यही महाकाव्य है भूविज्ञान का, यही महा ग्रंथ है और ये 200-250 सालों की मेहनत का, ये जो लकीरें लगी हैं, जो रंग भरे हैं, ये सैकड़ों सैकड़ों भूवैज्ञानिकों के खून पसीने से भरे गए और दुनिया भर के जियोलॉजिकल मैप में भूविज्ञान का इतिहास छुपा होता है। तो इसके आगे थोड़ी सी बात मैं करूं, ये बात मैंने आज ये सोचा कि बड़े बड़े भूवैज्ञानिक इस मामले में, ये जो जियो हेरिटेज नष्ट हो रही है, मुंह में दही जमा के बैठे। क्यों बैठे हैं मैं नहीं जानता, मैं समझता हूं बहुत सारे उनमें बहुत ही सिंसियर, बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं। वो ये समझते हैं कि सरकारी तंत्र में कोई सुनता नहीं है, हम बोल के बुरे बन जाएंगे
और कोई सुनेगा भी नहीं, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, हमें अपनी इज्जत भी खराब लगेगी। तो मैं उन सबसे कहता हूं, थोड़ी देर के लिए आप रिस्क ले लीजिए और प्रेरणा लीजिए बीरबल साहनी साहब से, डब्ल्यूडी वेस्ट साहब से, एमआर साहनी साहब से, डीएन वाडिया साहब से। आज की तारीख में अगर ये चार बड़े भूवैज्ञानिक होते तो ये तो हमारे जैसे जितने छुटभैये हैं वो सब के सब कहते, हाँ सर ने ये कहा, बिल्कुल सही कहा। आज और सरकारें इनसे पूछे बिना कुछ करती नहीं। अभी 10 साल पहले जो एक्सप्रेसवे का चलन हुआ, 10 या 11 साल पहले हुआ होगा, क्योंकि एकदम से तो नहीं हो जाता, हिमालय में 4 लेन एक्सप्रेसवे बना के उसके अंदर एक डिवाइडर रखना और फिर उस डिवाइडर में कुछ पेड़ पौधे भी लगाना, शियर शियर बदतमीजी है, बेवकूफी है। आप जो सड़क थी उसको वेल मेंटेन करते, थोड़ा थोड़ा करके चौड़ी करते, चाहे उसमें आपको 50 साल लग जाते, पर सस्टेनेबल रहती, ग्रीन रहती, लैंडस्लाइड्स ट्रिगर नहीं होते। पिछली जो सड़कें बनी थी पहाड़ों में, वो बहुत देर के बाद में स्टेबलाइज हुई थी। आपने एक झटके में सारी सड़कों को डिस्टेबलाइज कर दिया है, लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर कर दिया है और ऐसे लोगों के हाथ में दे दी है जिनको इतनी सी तमीज नहीं है कि स्टेबल स्टॉप बनाना है और वो हरा रहे। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिकॉज हम इस सेक्शन में फील्ड वर्क करते थे, बच्चों को करवाते थे अपने पेट्रोलियम जियोलॉजी वालों से। डॉक्टर बीरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जाते थे, डॉक्टर राजीव पटनायक भी साथ जाते थे, और वहां पे नीचे में कौशल्या नदी में हम काम कर रहे थे, तो हमने देखा कि जो उन्होंने पिलर खड़े किए हुए हैं, इवन वो पिलर खतरे में हैं, उनको इरोजन मार देगा, किस दिन एक आध पिलर गिरेगा। हमने उस ठेकेदार को भी बोला, वो बोला जी मैंने तो उन्हें दिता है, मैं तो उधर आउटसोर्स ये है वो है, उन्होंने गिरेगा तो डिगेगा तो डिगेगा। मतलब वी कैन नॉट मेक एक्सप्रेस वेज विद दिस सॉर्ट ऑफ कैजुअलनेस, दिस इज सीरियस बिजनेस, इट्स अ नेशनल एसेट, एंड एक बार बनाया है तो फिर वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए। और हिमालय हरा भरा है, सुंदर है, उसका सौंदर्य बिगड़ना नहीं चाहिए। इस मुद्दे पे बड़े बड़े नेशनल डेलीज ने, हिंदी के अंग्रेजी वालों ने बड़े बड़े एक एक पन्ने के आर्टिकल्स लिखे हैं। एक इंटरव्यू मेरी किसी एक कश्मीरी लड़का था, बहुत होनहार जर्नलिस्ट था, उसने की थी, उसने 4-5 सवाल पूछे थे मुझसे, कुड द करंट सिचुएशन इन द एरिया हैव बीन एंटीसिपेटेड, एज अ जियोलॉजिस्ट व्हाट डू यू थिंक शुड हैव बीन डन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, द वर्क इज राइट नाउ इन द इनिशियल स्टेज, हाउ डू यू सी द सिचुएशन एज द कंस्ट्रक्शन मूव्स अहेड, द स्टेट गवर्नमेंट हैड इश्यूड notification in the past that HAI from environmental clearance से उसको मुक्त कर दिया गया, तो ठीक है, बड़े projects में environmental clearance की वो झंझट कहते नहीं रहेगा, पर and thousands of trees were cut to create space for constructing the road, how do you see that as a reason for sliding in the area? Was there an alternative to cutting the hills? Can the claimed afforestation in the area mitigate the losses caused by removal of the trees? Do you think the road will be safe for travel? Final thoughts. सीधी सी बात, जियोलॉजिस्टों को नोटिफिकेशन होना चाहिए था कि आपके स्टैंडर्ड सेक्शन इसके अंदर हैं। स्टैंडर्ड्स का नष्ट हो जाना कोई छोटी बात नहीं होती, जो रिसर्च करते हैं उनको पता है कि कोई स्टैंडर्ड चला जाए तो क्या होती है। तो अब रोड बननी है तो स्टैंडर्ड्स तो टूटेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट भूवैज्ञानिक अक्सर नई जब खुदाई होती है उसमें बड़े खुश होते हैं, क्योंकि खुद भी तो वो हथौड़ी मार के ही देखते हैं ना। लैंडस्लाइड होता है तो कईयों को कष्ट होता है,
वेरी ऑनेस्टली, किसी की मुसीबत किसी की अपॉर्चुनिटी, somebody is misery, somebody is opportunity. Geologists always use, not that we are happy at the loss, but we always use the landslide. मैं अभी आपको एक ट्रेस फॉसिल दिखाऊंगा जो मसूरी टिहरी रोड पे इतना जबरदस्त एक लैंडस्लाइड के बाद में हमें मिला था, जिसकी टक्कर का हमने ट्रेस फॉसिल सामिक नाइटिस कहीं पे भी नहीं देखा था। अभी 2002 में इंटरनेशनल पैलेंटोलॉजिकल कांग्रेस सिडनी में मैंने उस पे पर्चा पढ़ा था। तो तब जियोलॉजिस्ट आते और जियोलॉजिस्ट एक बार देखते रहते कि भाई क्या हो रहा है, क्या नया निकला। तो नए एक्सपोजर्स में आफ्टरऑल अंदर की चीज तो एक ही है ना, और खुदाई होगी तो अंदर में वही स्टैंडर्ड्स निकलने थे, कॉन्टेक्ट्स इधर उधर हो सकते हैं, उनको वो मार्क करते और नई कलेक्शन करते। वही जो मैंने कहा कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स को एनरिच करने की इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कोई, हमें हमारी डिफरेंसेस हो सकती हैं कि जब एल्प्स में फोर लेनिंग नहीं है, एल्प्स में एक्सप्रेस वेज नहीं है जो हमारे से कहीं ज्यादा जेंटल लोअर हाइट एंड स्टेबल माउंटेन चेन है, हम 10 मिलियन ईयर्स पे इस हाइट पे आए, एल्प्स हैड रिजन टू दिस हाइट देयर हाइट एट 30 मिलियन ईयर्स। 2 करोड़ साल का इतिहास बहुत पुराना काफी ज्यादा होता है। हमने वो करने का जोखिम उठा लिया जो एल्प्स ने नहीं किया, यूरोपियन कंट्रीज। मैं रहा हूं यूरोप में, मैं मेरे को नहीं याद पड़ रहा कि मैं किसी ऐसे एक्सप्रेसवे पे ड्राइव किया हूं जिसमें इतना झंझट हो रखा हो या वो हो रखा जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। गोठा टनल में हमने ट्रैवल किया, टनल्स में पूरी की पूरी एहतियात होती है, एक ड्रॉप पानी का इधर ना गिरे, कोई भी खतरा ना हो, पर पूरी सड़क को आप वो नहीं बना सकते जो आपने बनाया है। ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है परमोट्रैसिक बाउंड्री का, इस बाउंड्री पे इस लेवल पे दुनिया की सबसे बड़ी एक्सटिंक्शन हुई थी, दिस इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल एक्सटिंक्शन। इतना महत्व है इस सेक्शन का कि रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी की एक टीम आई, प्रोफेसर इंद्रबीर सिंह से उन्होंने कांटेक्ट किया था, लखनऊ के जो थे दुनिया के मशहूर भूवैज्ञानिक थे, वो बड़ी इज्जत थी उनकी, वो मेरे यहाँ आए हुए थे उनसे खास मिलने, प्रोफेसर आशीष बासु। नितेश देखो बंगालियों का ही जोर रहता है हर तरफ, रॉचेस्टर से वो यहाँ आए और आईबी सिंह ने कहा कि मैं इस वक्त फ्री नहीं हूं, पर मेरा चेला है अरुण अहलूवालिया, यहाँ पे हेड है और वो इसको एक्सपेडिशन को करेगा। तो हमने कहा देखो हमारी भी वो हैसियत नहीं है, हम सब भार्गव साहब से ही पूछ के करेंगे, जो उनका ज्ञान है इतना बड़ा ज्ञान है, तो हम भार्गव साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस एक्सपेडिशन को लीड करेंगे। तो भार्गव साहब इसके लीडर बने, डॉक्टर ओम भार्गव, और बाद में एट द एज ऑफ 76 ही बिकेम एफएनए, द सेकंड मैन इन द कंट्री हु वाज मेड फेलो ऑफ इंसा एट दैट एज, दूसरे पीजीआई के थे चंडीगढ़ में थे महाजन साहब। सो वो रुतबा है उनका, और जो उन्होंने इस इशू पे लिखा है वो उन्होंने मुझे कोट दे दिया था, बाद में वो थोड़ा सा लोगों ने उनको कहने शुरू किया आपने क्यों कोट दे दिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट वो एक बहुत ऑनेस्ट उनका ओपिनियन है और वो लिखते रहे हैं बोलते रहे हैं इस इशू पे जिसपे ये सारी बातचीत है। इस रोड सेक्शन को काजा से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इधर है, इसको पत्थरों से चिन दिया उन्होंने। आप देखिए कभी किसी की हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर की थोड़ी सी खराब हो जाए तो उसकी जान पे बनाती है, ये है कुदरत की हार्ड डिस्क जहां पे एक इतनी बड़ी एक्सटिंक्शन का एविडेंस है जिसकी स्टडी करने के लिए भूवैज्ञानिक अमेरिका से आते हैं, इंडो यूएस साइंस फाउंडेशन में एक टीम बनती है पंजाब यूनिवर्सिटी की और रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी की, वो इस पर रिसर्च करती है। और ये पहली बार नहीं, हम पहले भी धीराज बैनर्जी साहब का एक एक्सपेडिशन था पहले ओशनोग्राफी पे, ओशनोग्राफिक ओशन इवेंट्स पे, उसमें हम गए थे। इस पे हर किसी का फोकस रहता है और ये हैं हमारे भूविज्ञान की किताबें, ये हैं हमारे धरती के इतिहास के पन्ने, इनको ढक दिया उन्होंने। क्यों ढक दिया भाई, यहां पे तो कोई लैंडस्लाइड भी नहीं हो रहा था, जो स्ट्राइक है दैट इज परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द रोड, तो कुछ गिरने का चांस ही नहीं था, छोटा मोटा जो गिरता रहता है इसको आप स्टेबल कर लेते
थोड़ा सा और एंगल इसका टेढ़ा कर देते, अगर जरूरत थी तो ढक दिया। एक वो एक एडवर्टाइजमेंट आया करती थी ना, सारे घर के बदल डालूंगा बल्ब। ये इनके दिमाग में क्या फतूर आ गया मैं नहीं समझता, पर इन्होंने ये ठान लिया है कि अरे ओ लैंडस्लाइड, ओ करो जी करो, कवर करो, इसको भी कवर करो, इसको भी करो, चलो पत्थर ढक दो तो और बात है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जियो हेरिटेज में, मैं वापस में आता हूँ। यही है जियो, अभी कही लेते हैं, ये शेयर्ड जियो हेरिटेज है, इसी में सारी दलदौलत है। अगर भारतवर्ष कभी बहुत अमीर होगा यूरोपियन कंट्रीज के टक्कर में, तो हमारी इस रिच वैरायटी फुल एंड फैसिनेटिंग जियो हेरिटेज से ही होगा, प्रोवाइडेड हम गंदगी खत्म कर दें इस देश से। वो ट्रंप साहब कह गए थे उस दिन, बड़ा दिल दुखी हुआ था, पर बाद में सोचा कि कह तो गया वो बदतमीजी से, कहना नहीं चाहिए था उसको पब्लिक में कि इंडिया इज ए फिल्थी कंट्री, पर सच बोल गया ना वो। शर्म तो हमें आनी चाहिए ना कि वो हमारे देश को एक सच बोल गया कि वी आर अ फिल्थी कंट्री। हाउ एंड कितना टाइम लगता है, एक पल लगता है हमें, एक दिन लगता है खत्म करने में। हमने सिर्फ कूड़ा फेंकना नहीं है, कूड़ा एक धन दौलत होती है। इंदौर हमारे देश में ही तो है, इंदौर जो दुनिया का टॉप मोस्ट इस वक्त क्लीन सिटी है, और वहां के डॉक्टर असद वारसी जिन्होंने, जो उसके हीरो हैं इंदौर के, हिज बिकम ए कंसल्टेंट द वर्ल्ड ओवर। तो अगर हमारे लोग ये कर सकते हैं एक शहर में, हम पूरे देश में कर सकते हैं। और जियो हेरिटेज हमारी जो है हिंदुस्तान की और हिमालय की, उसकी टक्कर नहीं। और कभी एफ्लुएंस आएगा इस रीजन में, हमारे आसपास के देशों में भी, तो हमारी जियो हेरिटेज इको हेरिटेज की शोकेसिंग से और इसकी प्रेजेंटेशन से, सांझी रिसर्च से, सांझी डिजास्टर मैनेजमेंट से, सांझी मिनरल एक्सप्लोरेशन से आएगा। और जब ये होगा तो बॉर्डर पे गोलियां नहीं चलेंगी, बॉर्डर पे फौजी नहीं बैठेंगे, बॉर्डर पे मित्रता होगी, इधर से उधर टूरिस्ट जाएगा। और जो ये करवा देगा, अरुण बंसल जी बता दीजिए अपनी पीढ़ी को, जो ये करवा देगा उसको नोबेल पीस प्राइज पक्का मिलेगा। तो और वर्ल्ड पीस का सबसे बड़ा एक ट्रिगर तो आजकल तो वहां यूक्रेन में हो रहा, पर अपने यहां भी बड़ा भारी रिस्क है वॉर के ट्रिगर का। अगर ये होगा शेयर्ड इको टूरिज्म, जियो टूरिज्म, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड जियोलॉजिकल रिसर्च, जीरो चांस हो जाएगा यहां से वॉर का चांस जीरो हो जाएगा, यहां से विश्व की शांति को कोई खतरा नहीं होगा। सो उदाहरण एक थी जो मैंने दी, आगे थोड़ा सा चलता हूं। हम आजाद देश हैं, हमारे भूवैज्ञानिक पिछले 10 साल से मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हैं, वो गुलामी किसकी कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता, किससे डर रहे हैं। अल्टीमेटली तो देश कहेगा, अरे इन्होंने हमें ठीक से टाइम पे बताया कि इस हिमालय में एक्सप्रेसवे इस तरह से बनने हैं और साइंटिफिक तरीके से बनने हैं, जो एथिक नॉर्म्स में बनने हैं, साइंटिफिक नॉर्म्स में बनने हैं। साइंटिफिक नॉर्म्स के लिए प्लीड करने में हमें किसका खतरा है, कोई नाराज हो जाएगा? इतने बड़े लीडर हैं हमारे, इतने सियाने हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको समझाने में भी हमें हिचकिचाहट है, क्यों है? हमें समझाना चाहिए। अभी साइंस डे पे मैं हिमाचल प्रदेश में था, मैं उस दिन कीनोट स्पीकर था गेटी थिएटर में, वहां मंत्री जी थे, सेक्रेटरी दिए हैं, सील कर दिए हैं, हम रिसर्च कैसे करेंगे? तो वो बिल्कुल समझे इस बात को, वो एमएससी जूलॉजी हैं, नौजवान हैं, अरुण बंसल जी तो हमें इतिहास के पन्ने ढके वर्क हैं वो, और मैं उनको भी आज का ये मैसेज दिया तो बात सुनने को तैयार हैं, पर हम मन में ढार के बैठे हैं कि बोलने का फायदा नहीं है, उस देश को दोष देंगे। अरे इस देश में कुछ नहीं होता है, इस देश में कुछ कहने से होता नहीं है, अरे कोई सुनता नहीं है, दिस इज अटर नॉनसेंस। आप में कहने की हिम्मत नहीं है, आप एक आजाद देश के नागरिक हैं, 75 साल हो गए हम आजाद हुए, आप मन से गुलाम क्यों हैं? पढ़े लिखे हैं, इतने डिस्टिंग्विश लोग हैं, आप इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के फेलोज हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, और वो बोल नहीं रहे इस मामले में। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, ये लीजिए आपके सामने। मैं शिमला से आ रहा था, लाइट कंडीशन अच्छी थी, मैंने गाड़ी रोकी तो देखा ये ऊपर में जो यूनिवर्सिटी है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसके नीचे में ये देखिए ये खुदाई धाएं धाएं चल रही है, और ये बिल्डिंग्स किस दिन धड़ाम से नीचे आ पड़ेंगे। वैसे ही उन बेचारों को बड़ी गंदी एक पीस ऑफ लैंड दिया गया था जिसमें उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी,
भगवान करे मैं गलत हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरी आशंका गलत हो, भगवान करे ये लैंडस्लाइड ना हो। पर इतने एक्टिव हिमालय जोन में, जहां एक बड़ा भूचाल बड़े सैकड़ों सालों से आया नहीं है, एक तो वो कांगड़ा वाला नहीं आया है, एक और भी बड़ा भूचाल जो आना था आया नहीं है, एक हमारा पिंजौर चंडीगढ़ एक्टिव फॉल्ट है जो कभी 400 साल पहले हिला था, तो एक बड़ा भूचाल क्या कई बड़े भूचाल ड्यू हैं। यहां पे हम पहाड़ से पंगा ना लें, पहाड़ से पंगा बड़ा भारी महंगा पड़ सकता है। 3,000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, भगवान की दया से अभी तक खड़ी है, भगवान करे खड़ी रहे, भगवान करे हम गलत हों। पर सड़क आप कम से कम, वो ज्ञानी का ढाबा नहीं है धर्मपुर का ये, कि भैया ज्ञानी जी जरा आप इधर चले जाइए फिर आप इधर आ जाइए, अरे यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी इमारत को आप कहेंगे शिफ्ट कर जाओ? आप क्यों नहीं थोड़ा सा सोच समझ के इस सड़क की प्लानिंग करते, थोड़ा वैली की तरफ भी तो चले जाते हैं कभी कभी, होता है ना। तो इसको टच करना ही पाप है, पर ये टच हो रही है, ये है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। अरे आपने डैम खड़ा कर दिया सड़क पे, चट्टान की का स्लोप आप उधर को नहीं कर सके, थोड़ा सा जेंटल करते तो नहीं गिरता? ये हरियाली जो इधर दिख रही है, ये हरियाली स्लोप पे भी होती, ये तो अभी भी टूट रहा है, ये तो अभी भी टूट रहा है, और आपको इसमें छोटे छोटे सुराख दिख रहे हैं ना जिसमें से पानी निकलने का है। दावे से कहता हूं कि ये अंदर में अपने आप धीरे धीरे करके सील हो जाएंगे। अभी रिसेंटली न्यूज थी कि पहाड़ों में कभी बाढ़ नहीं आती, इस सड़क पे बाढ़ आई हुई थी, ढेर सारा फ्लैश फ्लड चला हुआ था इस हाईवे पे। बस वो जब आई तो खबर इधर उधर हो गई, किसी ने एक बार सोचा नहीं कि इस हाईवे पे बाढ़ आई है, फ्लैश फ्लड आया है जिसमें गाड़ियां बह सकती हैं। आजकल तो आलम यह हो गया, चंडीगढ़ में बाढ़ आने लगी है। उनमें अगर आप ये एक खाली एक आइसोलेटेड जगह की क्या कमाल है लीजिए, आपकी यात्रा सुखद मंगलमय हो। अरे हम ये कंक्रीट के पहाड़ पे आते हैं, ताजी हवा के लिए आते हैं, पेड़ तो कटने थे, चलो कोई बात नहीं पेड़ उगाएंगे, मेहनत हो जाएगी। अरे पर ग्रीनरी क्यों बर्बाद करके आपने ये कंक्रीट के जंगल क्यों बनाए, पूरी सड़क? क्या हम पूरे हिमालय में, मैंने सुना है कि उधर में सब तरफ ऐसा ही है, और जो चमोली में कांड हुआ, जो डैम एक या दो डैम टूटे, वो क्या था, जितना मलवा हमने घाटी में फेंका था वो सारा का सारा उस फ्लैश फ्लड में बड़ी फोर्स के साथ आया और डैम को ले गया। इकोलॉजी बड़ी सेंसिटिव चीज होती है, हिमालय एक बड़ा सेंसिटिव जोन है, अमूल्य धरोहर है कुदरत की, महादेव की। भगवान महादेव शिव जी से प्रार्थना करता हूं कि सबको सुबुद्धि दे और ये मूर्खता के रास्ते पे जाना बंद हो, बंद हो। खाली हिमालय के सौंदर्य के लिए नहीं, खाली रिसर्च के लिए नहीं, बहुत कुछ है। हिमालय एक बड़ा भारी पैकेज डील है, विज्ञान का, रोमांच का, मजे का, उसको मिट्टी में मिला रहे हैं। 7-8 साल में हमारी नजरों के सामने हुआ है ये। जो हमारे बड़े सीनियर थे वो बेचारे
ये सोच के क्यों बुढ़ापा खराब करना है, पंगा लेना लोगों से, इन इंजीनियर से, बड़ी ताकत होती है इन लोगों में, पता नहीं किसने ये प्रपोजल दिया होगा, वही बुरा मान जाएगा कि साहब देखिए हमने कहा था ये करें, बेवकूफी का, मैं दावे से कहता हूँ महा बेवकूफी का काम है ये, गलत है, वैज्ञानिक तौर पर गलत है, एथिकल तौर पर गलत है, एनवायरमेंटली रॉन्ग है, हर तरह से रॉन्ग है। मिडवे करेक्शन अगर हो सकती है तो कर लीजिए, कर लीजिए, इनको हटाइए, कहीं कुछ भी निपटारा कर लीजिएगा, और स्लोप्स को जेंटल और ग्रीन बनाइए, जेंटल और ग्रीन स्लोप्स स्टेबल होते हैं। वर्टिकल स्लोप्स पे अगर आप फटाफट हो गए, चलो काट दिया, वो गिरते हैं। और दावे से कहता हूं अगर किसी ने सोचा ये बड़े स्टेबल रहेंगे, ये गिरेंगे, ये गिरेंगे, बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, ये बचेंगे नहीं, बिकॉज नो स्ट्रक्चर इज stabler than the foundation it's placed on. हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा कि 5 से 6 मंजिल से बड़ी इमारत नहीं बनती। हिमाचल की, हिमालय की ट्रेजेडी ये है कि जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था हिल्स का, लाइट एंड ब्यूटिफुल, वो छोड़ के हमने नकल कर ली चंडीगढ़ की, गुड़गांव की, दिल्ली की, शिमला भर दिया है ये पूरा का पूरा। बड़ोक से चालू हो जाइए, पेंसिल नुमा ऐसे होटल, दूर से देखो तो ऐसे लगता है कि पेंसिल खड़ी हो, 7-8 मंजिल पता नहीं कितनी। जिस दिन कांगड़ा दोबारा हिला, वो ऐसे ऐसे ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे, और कई जगह तो इतना खचखच है कि ऊपर का एक घर गिर गया तो नीचे में जितने 10-20 हैं सारों को ले डूबेगा। तो इतनी बड़ी त्रासदी, मजाक के तौर पर एक कंपेरिजन करूं, जो पुतिन ने उस गरीब देश का हाल किया है पिछले 15-16 दिन में, इन लोगों ने पूरे हाईवे का ये पिछले 8-9 साल में कर दिया, पूरे हिमालयन जियो हेरिटेज का बेड़ा गर्क किया है। ये देखे, यहां तो वो कंक्रीट की स्लरी, ये लगाने से भी इनका पेट नहीं भरा, इधर में ये पेड़ पूड़ों का तो सारे गए सो गए, यहां पे भी उनको लगा कि इधर से ना आ जाए, तो कुछ छोड़ा नहीं भाइयों ने। यहां पे बड़ा भारी कंक्रीट का ये स्लरी डाल के, अरे क्या कितनी मेहनत कर दी, मेहनत करी, पैसा बर्बाद किया, वक्त बर्बाद किया, हिमालय बर्बाद किया, हिमालय बर्बाद किया। स्विट्जरलैंड कहते हैं हिमाचल को, मैं कहता हूं स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड से 100 गुना बेहतर है, बिकॉज स्विट्जरलैंड वाली हाइट हमसे, हमारे पास जो हमारे जो पासिस हैं वहां की हाईएस्ट पीक से हायर हैं यूरोप की, एल्प्स की। एल्प्स आर गुड बट हिमालय इज द बेस्ट। जिसके पास जो होता है ना उसको उसकी वैल्यू नहीं होती। हम तो इसी पे पलते थे, हमारा तो यही ब्रेड एंड बटर था, नजदीक का था, पढ़ाने के लिए बच्चों को आसान रहता था, हमें भी जो ले जाते थे हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर, उन्होंने उसी जमाने में हमको रोड स्ट्रक्चर की जो ABC सिखाई थी, वही हमने इनको सिखाई जो हमने एज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सीखी थी 17 साल की उम्र में। मैं हैरान हूं इतने इतने बड़े इंजीनियर्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, कितने कितने बड़े टेक्नोक्रेट्स होंगे, बस वो सड़क पे देखते ही नहीं इधर में क्या हो रहा है। इस आज की बात के माध्यम से देशभक्ति की कसम इनको, एथिक्स की कसम इनको, हिमालय की कसम इनको, इसको बर्बाद न करें। ये इकलौता है इस प्लेनेट पे, बिन बात के एक पल के फतूर में हमने ये जिसको बोलते हैं पहाड़ से पंगा ले लिया है। ये देखिए, छोटी मोटी ना मसूरी शहर में भी थोड़ी ईंटें लगी होती हैं, कहीं पे शिमला में भी लगी हुई हैं, उन पे भी काई जम गई है, अच्छा ग्रीन हो गया है, पर हमें कुछ चट्टान देखनी हो इवन वहां भी 4 कदम ऊपर चढ़ के हम देख लेते थे। यहां पे ऊपर चढ़ना, यहां से फिर यहां चढ़ना, फिर यहां चढ़ना, अगर भूवैज्ञानिक सीढ़ी भी लेके चले जाए नहीं चढ़ सकते। चढ़ने को तो हम स्पीति की हाइट्स में चढ़े, पर यहां पे इस वर्टिकल में चढ़ के फिर फील्ड वर्क करना, जो नीचे जो जो सेक्शंस भाटिया साहब ने, भार्गव साहब ने, श्रीकांत साहब ने बनाए थे
स्टडी किए थे, दुनिया भर के साथ शेयर किए थे, जो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस अगर पोस्टपोन नहीं होती बिकॉज ऑफ कोविड, भार्गव साहब को इस एक्सकर्शन में दिखाने थे, अगर वो होती मार्च में और अगर फील्ड जियोलॉजिस्ट यहाँ आते, भार्गव साहब क्या दिखाते? ये कंक्रीट, ये ईंट पत्थर, या उनको कहते भैया ऊपर चढ़ जाओ, मुझे तो अब दिख नहीं रहा, बिकॉज उस उम्र में वो तो इसको ऐसे वर्टिकली क्लाइंब तो नहीं कर सकते, क्या हम रॉक क्लाइंबिंग करेंगे यहाँ पे, रोप वे से ऊपर जाएंगे फील्ड वर्क के लिए? जियोलॉजिस्ट को दोष देता हूं मैं, जियोलॉजिस्ट में ताकत होती है, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, इतनी समझ होती है, इतना विजन होता है, बोले क्यों नहीं? ये तो नहीं हो सकता कि मेरे जैसा रिटायर्ड प्रोफेसर तो इसको 4-5 बार देख आया है, किसी ना किसी बहाने से शुल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए, या बच्चों के साथ गए, या वैसे ही चले गए, अभी भी लेक्चर देने गया, तो बहाने तो अवसर तो मिल जाते हैं ना देखने के। तो क्या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, चंडीगढ़ में, क्या लखनऊ वाले, क्या किसी को इसका इल्म नहीं था? Why were they looking the other way? Even आज भी मैंने बहुतों को निमंत्रण दिया है, पर मेरे ख्याल से कोई इस कड़वी बात को सुनने और इस कड़वे सच को देखने की हिम्मत नहीं रखता, कोई नहीं आया। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को भी मैंने लिखा कि इस पे कुछ करिए, इसको बंद करवाइए, चुप। पैलिंटोलॉजिकल सोसाइटी ने मुझे वादा किया है, लखनऊ वालों ने, लखनऊ इज द मक्का एंड मदीना ऑफ जियोलॉजी, वहां से मुझे उम्मीद है कि लखनऊ से आवाज उठेगी तो दूर तलक जाएगी और वहीं से इसका समाधान निकलेगा। पैलिंटोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड बाई लेट प्रोफेसर मुल्कराज साहनी, अवर फाउंडर। He was the boss of GSI and he was our boss. हमारे से पहले वो यहां से चले गए थे, but nevertheless, कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा आएगी, कहीं ना कहीं से तो करेक्शन आएगी, मुझे करेक्शन की आने की उम्मीद है। तो ये मैंने दुर्दशा एक्सप्रेसवे की, जियो हेरिटेज की आपको दिखाई। ये जो यहां पे झाड़ियां जुड़ी हैं ना, बस ये बच गई। यही होता है जो स्लोप की स्टेबिलिटी रखता है, इनको काट के ये खोदोगे, अभी यहां पत्थर चिन्ने थे उन्होंने, ये मैंने फोटो फरवरी 2020 में ली थी, बिकॉज मैं कुछ फोटोग्राफी चाहता था, मेरा एब्स्ट्रैक्ट था इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का इस इशू पे। अब वो 3 दिन की हो रही है, 2-2 घंटे की, पहले तो टल गई, तो टल गई, कोई भला कोई पूछे 4 साल के बाद में होती है, सन 64 के बाद में, आपको इतने साल के बाद में इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का मौका मिला, अब किसी तरह से आप उसको डिजिटली करवा रहे हैं, तो आप उन पूरे 8 दिन क्यों नहीं करवाते भाई? आई एम सॉरी टू से द लीडर्स ऑफ जियो साइंसेस आर बिजी विद मैनेजमेंट, विद द टेम्पररी पेटी प्लेजर्स एंड शर्किंग देयर जियो एथिकल ड्यूटी टू द जियो हेरिटेज of this country, this great country. The patriotic zeal, I pray to God, should wake up in all. The system managers, the leaders, the technocrats, the professors, the academies, and the societies. सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की और इंटरनेशनल साइंस अकेडमी की, इनसे बड़ा कोई नहीं। ये करेंगे तो भगवान इनको आशीर्वाद देगा, नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इनको कोसेंगी कि ये कर सकते थे, इन्होंने किया नहीं, इन्होंने हिमालय की जियो हेरिटेज को बर्बाद होने दिया, इन्होंने पूरे हरे भरे हिमालय को एक कंक्रीट का जंगल बना दिया। ये देखिए दूर दूर का दृश्य, चट्टाने कहीं दूर दूर नजर नहीं आती, बर्बादी का आलम है, जिधर देखो कंक्रीट ही कंक्रीट है। हिमालय क्या भट्ठा बिठाया तुम्हारा, किया नहीं इन्होंने कुछ, इनका कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ बोल सकते थे। Those who look the other way when something is going wrong are also guilty. बोल सकते थे ना वो। I'm 72 plus, मैं तो बोल रहा हूं ना, मेरा किसी ने क्या बिगाड़ लिया, मैंने पहले अखबार में बोला था, अभी भी बोल रहा हूं और बोलूंगा, बाकी लोग अगर इकट्ठे हो जाए तो ये गलती रुक सकती है, इसका समाधान हो सकता है, कोई लड़ाई की बात नहीं है, गलत हो गया, टू एरर इज ह्यूमन, गलती हो जाती है, पर हिमालय का क्या दोष, हिमालय की पीढ़ियों पे का, आने वाली पीढ़ियों का क्या दोष, हिमालय के सौंदर्य का क्या दोष, इस अद्भुत हिमालय का क्या दोष, इसको सुधारें गलती को। गलतियों पे कोई नाक का सवाल या मूंछ का सवाल नहीं होता है, गलत हो गया कोई बात नहीं,
अभी अगर हमने इस गलती को ना सुधारा, जियोलॉजिकल रिसर्च से ही सारी धन दौलत आती है वो तो गई खत्म, उसकी तो छुट्टी हो गई। जो एक्सप्लोरेशन होनी थी, जो डिस्कवरीज और होनी थी विज्ञान की और खनिजों की, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट, खत्म। कम से कम जो यहां दिखना था खत्म। व्हाट अ पिटी। कैन वी अफोर्ड इट? कैन दिस बिग कंट्री हु इज अ फ्यूचर पावर ऑफ द वर्ल्ड, एन आई टी जायंट, अ न्यूक्लियर जायंट, अ स्पेस जायंट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइंस ग्रेजुएट्स इन द वर्ल्ड, अ पीस लविंग कंट्री which has prestige in the world, which can afford to say we are neutral. Switzerland bhi jo neutral tha world war mein, aaj ki tareekh mein sides le raha hai. Hum apne agar national interest ke liye itna bada vision rakh sakte hain. Main Gadkari ji se bhi request karunga, wo pakka bahut hi vidwan aadmi hai, maine unko sandesh bheja hai. Is madhyam se phir kehta hu, Gadkari ji, aapse bada vidwan koi nahi in netaon mein. और प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, प्रधानमंत्री जी तो इन एरियाज में रहे हैं 10-15 साल, मोदी जी यहीं पे थे, तो वो जानते हैं हरे भरे पहाड़ अगर ये ग्रे हो जाए, हरियाली की जगह कंक्रीट खड़ा हो जाए तो क्या होता है। सो आप सबसे भी आग्रह है कि इस इश्यू पे बोलें, आवाज उठाएं, लिखें, और बातचीत के माध्यम से, ये लिंक जो है फेसबुक लाइव पर रहेगा, मेरे यूट्यूब अर्थ टॉक पर रहेगा, आज की बातचीत को दूर दूर तक फैलाएं, और इस भावना से, किसी को नीचा दिखाने की भावना से नहीं, एक करेक्शन की भावना से, कि ये ना हो आने वाली पीढ़ियां कहें कि हिंदुस्तान को क्या हो गया, अच्छे खासे हिमालय का भट्ठा बिठा दिया। बातचीत जब छोटी सी भी होती है, 2006 की बात है, एक छोटा सा आर्टिकल था, एक पन्ने से कम का, जियो हेरिटेज भी था, मेरे दिमाग में ये आइडिया जरा पहले आ गया था, मुझे एक्चुअली धीराज बनर्जी साहब ने एक बार लिखा कि यू आर अहेड ऑफ योर टाइम, और हमने तुम्हारी उस वक्त कदर नहीं की। कोई बात नहीं, कलाम साहब ने बाई चांस वो आर्टिकल पढ़ लिया, और उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान वापस आओगे अमेरिका से, मुझसे मिला, और हम मिलने गए, और ये मंजीत मजुमदार गुवाहाटी के एक होनहार युवा वैज्ञानिक है, हम दोनों ने कलाम साहब को ये बातचीत पूरी 45 मिनट अपने लैपटॉप से समझाई। उन्होंने फोन किया अर्थ साइंस सेक्रेटरी को, डॉक्टर गोयल को, अगले दिन 3 घंटे गोयल साहब ने हमारी बातचीत सुनी। तो अगर एक साधारण प्रोफेसर की, जो ना किसी एकेडमी का फलो है ना कुछ है, जस्ट अमेरिका में कुछ बोल रहा था और लिख दिया था, अगर उसकी कोई सुन सकता है, तो इन बड़े बड़े लोगों की तो कोई भी सुनेगा। इन सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत बड़े आदमी हो आप, अपनी कदर करो, अपनी बात की वैल्यू समझो, बोलो, भगवान आपको 100 साल की उम्र देगा अगर आप आज बोलोगे तो। अब मैं थोड़ी सी बात कह दूं, जियो पार्क क्या होता है। वेल एस्टैब्लिश्ड जियो पार्क्स इन यूरोप, चाइना एंड एल्सवेयर प्रेजेंट अ रेंज ऑफ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव कल्चर, जियोलॉजिकल एंड नेचुरल हेरिटेजेस। दीज आर कंसर्न्ड विद कम्युनिटीज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टूरिज्म एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन की बात थी, टूरिज्म की बात थी, ट्रेनिंग देने की बात थी, कम्युनिटीज की इन्वॉल्वमेंट की बात थी, उसकी जगह हमने क्या कर दिया, कंजर्वेशन की जगह हमने सिस्टमैटिक पब्लिक फंडेड डिग्रेडेशन कर दी हिमालय की। जियो हेरिटेज को हमने सील कर दिया, उसकी कब्र बना दी हमेशा के लिए। ऐसा तो नहीं होता है, गलत हो गया, इसको सुधार लेना चाहिए हमें। जियो पार्क्स आर नॉट जस्ट अबाउट रॉक्स, दीज आर अबाउट पीपल। जियो पार्क्स सेलिब्रेट, conserve and use relationships between the cultural, industrial, geological, natural heritages to generate sustainable economic growth through tourism for the benefit of their communities. Himalayan communities ko is barbadi ka kya fayda hua? Theek hai, sadak ban gayi, ban jayegi hopefully. Ye dam gir ke toot gaya kisi bhuchal mein, ya waise hi aa gaya itna pani ka pressure, ya सड़क पे जो फ्लैश फ्लड है उसमें कोई बर्बादी होगी, भगवान करे कम हो, पर होगी तो गलती हो जाती है, उसको करेक्ट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, जियो पार्क्स इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ अवर रिच जियोलॉजिकल हिस्ट्री। यूरोपियन जियो पार्क नेटवर्क हैज लिंक्ड 31 पार्क स्प्रेड अक्रॉस 13 यूरोपियन कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू हैंस, जियो पार्क सर्व ए वेरी useful purpose in uniting people who share a common dedication to preserve a
और ज्योग्राफिकल हेरिटेज। ये है कहानी, यही है पूरा का पूरा जिसको बोलते हैं डायरेक्शन, यही है प्रेरणा कि आप, बाय द वे चाइना के तकरीबन 37 जियो पार्क्स हैं, वर्ल्ड में यूनेस्को रिकॉग्नाइज 125 के करीब हैं। दुर्भाग्य हमारा इस अद्भुत देश में जहां अद्भुत माउंटेन रेंज है एक भी नहीं अभी तक। उस वक्त डॉक्टर कलाम के लेवल के आदमी ने इनिशिएटिव लिया था, अर्थ साइंस के सेक्रेटरी से बात करवाई थी प्रोफेसरों की, हमने इतना भाषण झाड़ा था जाके। अब आजकल कुछ बातचीत शुरू हुई है, कुछ ग्रुप्स हैं हमारे रिटायर्ड जियोलॉजिकल सर्वे के ऑफिसर्स के, उनमें रवि कुमार वेंडुवली, सलाम है उस आदमी को, उसने जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया है और चलाया है। लखनऊ में सतीश त्रिपाठी जी भी रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, उनकी तो एक साइंस सोसाइटी ऑफ अर्थ साइंस सोसाइटी है, जो शुरुआत जब होती है थोड़ी सी होती है बहुत दूर तक जाती है। तो शुरुआत है, भगवान करे आने वाले 5-10 साल में हिंदुस्तान भी भरा हो जियो पार्क से, पर हिमालय के जियो पार्क अगर बनने हैं तो क्या कंक्रीट में बनेंगे? क्या हम बोलेंगे हमारे जियो पार्क में बड़ा भारी कंक्रीट आइए देखिए? गलत है, गलत है, गलत है, महागलत है, इसकी करेक्शन जरूरी है। ये देखिए जो इतिहास जिसकी बात मैं कर रहा था, 71 मिलियन ईयर्स बैक ये इंडिया एक जो आइलैंड था, बीच में समुद्र था ना, ये सरकता गया, 5 सेंटीमीटर हर साल चलता है, नाखून ना काटे तो उतने बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे करके ये यहां पहुंचा तकरीबन 5.5 करोड़ साल पे, फिर 3.8 करोड़ साल पे यहां पहुंचा। 10 मिलियन ईयर्स बैक इट बम्प्ड इनटू तिब्बत एंड देयर वाज अ डबलिंग एंड हिमालय वाज फॉर्मड, और इस साइड में साउथ की तरफ वी हैड इनफैक्ट दिस पॉइंट ओनली माउंट एवरेस्ट वाज नॉट सो हाई, हिमालय वाज नॉट सो हाई, बट द मानसून हैड स्टार्टेड एट दिस पॉइंट बिकॉज सी जा चुका था और जो बीच की रॉक्स थी उनका पहाड़ बन चुका था। तो यही है हिमालय की का इतिहास, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये वो लैंडस्लाइड से निकला हुआ सामिक नाइटीज का फॉसिल है मसूरी तेहरी रोड पे, जो मेरे साथ मेरे कुछ बीएससी के बच्चे थे, उनमें से एक तो अभी डॉक्टर सीमा तेजपाल इज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड सेडिमेंटोलॉजिस्ट इन द पंजाब इंडस्ट्री जियोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड दूसरे आई थिंक डॉक्टर ठाकुर हैं, जो महेश ठाकुर हु इज ऑल्सो ऑन द फैकल्टी, तो ये लोग साथ थे। दे वंडर्ड कि क्या हो गया सर को, ये पानी मंगवा के झाड़ू मंगवा के इसकी सफाई कर रहे हैं। मैं कहा बेटे ये मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये हमारे पीछे से लैंडस्लाइड हुआ है, सड़क की पूरी मिट्टी जो उड़ती है इसके ऊपर आती है, और हमने इसका जैसे तैसे निपटारा किया। और ये संदीप वालिया की पीएचडी थीसिस में, संदीप सिंह वालिया इज ए क्लास वन ऑफिसर इन पंजाब गवर्नमेंट, एक ग्राउंड वाटर का एक्सपर्ट है, उसकी थीसिस में ये इलस्ट्रेटेड है। ये क्या गजब की ये वाली, ये तो एक उदाहरण मैंने आपको दी है। ये जो है इस तरह के लाखों लाखों एक्सपोजर हिमालय में सड़कों पे होंगे, क्योंकि सड़क पे एक्सपोजर बड़ा मिल जाता है, बड़े की कीमत होती है, जो बड़ा होता है उसी की वैल्यू होती है, और उनको आप ढक देंगे कंक्रीट में, कितना महापाप होगा। अगर मान लीजिए उस रोड पे भी किसी ने एक्सप्रेसवे बनाई होती और इसको ढक दिया होता, तो ये भगवान ने बनाया था 54 करोड़ साल पहले, उस वक्त के जानवरों के ट्रेसेस हैं ये जो फॉसिलाइज हुए। 1 करोड़ ताजमहल से भी ज्यादा वैल्यू होती है ऐसी धरोहर की। ताजमहल के लिए तुम जान देते हैं, वहां तुम गाड़ी नहीं जाएगी, बैटरी वाली जाएगी, इधर जाएगी उधर जाएगी, पॉल्यूशन तो खराब ना हो जाए, जो होके रहेगा खराब, क्योंकि वी हैव द मोस्ट पॉल्यूटेड टाउन्स इन द विसिनिटी ऑफ ताजमहल। हिमालय जो करोड़ों करोड़ों ज्यादा उससे ज्यादा वैल्यू रखता है, उसका हम भट्टा बटाते हैं। एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं ना, उसकी कमी हो गई, हमें इसको करेक्ट करना है। कोई किसी को जलील करने की बात नहीं, होता है, हमसे भी कोई गलती हो सकती है, हुई है जिंदगी में, गलतियां हमने भी की होंगी। तो जिसने भी इनिशियल किया था, ठीक है, एक सिंसियर प्रपोजल था कि एक्सप्रेसवे बनाएंगे, पर एक्सप्रेसवे बनाने वालों को
किसी ने, गडकरी साहब ने ये नहीं कहा था भैया तुम यहाँ पे कंक्रीट चुन देना और एंगल वर्टिकल रखने की कोशिश करना, गिरेगा तो पत्थर लगाना, फिर गिरेंगे, तीन बार गिरे तो चलो छोड़ो छोड़ो अब कंक्रीट लगा दो, ये हुआ है, ये तो गिरी जा रहा है। मैंने उसको, हम तो ऐसे आते जाते बात भी कर लेते ना कि बेटे तुमने स्लोप नहीं रखा ना ठीक, तो गिर रहा है, तो जो गिरते ही जाएगा, तो उसको 100 बार बना ले 100 बार गिरेगा, कुछ ना जी आप छोड़ना ही नहीं, नो तो अगली बार देगा तो कंक्रीट उसके ऊपर पोत दिया। सो यही है बातचीत का आज का जो मुद्दा था, बातचीत मेरी तकरीबन खत्म हो गई, थोड़ा सा लब लवाब बचा है ये जो यूनेस्को की ग्लोबल जियो पार्क का, जो भी अपने मित्र हों जो जियोलॉजी से ताल्लुक नहीं रखते वो ये सारी बातचीत को बच्चों से शेयर करें और ये इसको गूगल करें यूनेस्को जियो पार्क को, कुछ पता नहीं कौन सा बच्चा एक जियो पार्क का एंटरप्राइज चला ले अपना। हमारा एक लड़का है अभी तो काफी उम्र हो गई उसकी, डॉक्टर रितेश आर्या, वो इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया है, उसने एक अपना ही प्राइवेट एक म्यूजियम बना लिया है, उसका नाम है तेसिस फॉसिल म्यूजियम। तो आप देखिए बच्चे, आने वाले बच्चे क्या कर सकते हैं कुछ पता नहीं लगता है, तो थोड़ा सा ज्ञान उनको हो तो आइडिया होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, थोड़ा सा शुरू में बता दूं, जियो डायवर्सिटी रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्म्स एंड प्रोसेसेस विद इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन। मेंटेनिंग अ वाइड डायवर्सिटी ऑफ एबायोटिक हैबिटेट्स एंड सिस्टम्स इज वाइटल टू द लाइफ ऑन अर्थ। As simple as that concept seems, only recently has geodiversity and ecosystem services provided geoheritage resources been promoted as important to successful conservation of protected areas. Himalaya should have been a protected area. It couldn't have been vandalized this way. Roads are always made, railway lines are always made, but vandalism with the outcrops through concrete cover is not done. किसी ना किसी दिन इसके कारण हम लोगों पे नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस होंगी इंटरनेशनल कम्युनिटी से। हम उससे पहले ही ये हमारी हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ पे, इनकी बर्बादी को रोक दें, उसी में हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, एनलाइटन नेशनल इंटरेस्ट है, एनलाइटन ग्लोबल हेरिटेज इंटरेस्ट है। ये ओम नारायण भार्गव आज की तारीख में 84 ईयर्स ओल्ड हैं, अद्भुत भूवैज्ञानिक हैं, 61 साल 61 इयर्स तक वो हाई अल्टीट्यूड में काम किए हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको इतना बड़ा ये अवार्ड मिला, फेलो ऑफ इंसा। उन्होंने मुझे कमेंट्स दे दिए बिकॉज मैं उनका फर्स्ट पीएचडी स्टूडेंट हूं, मुझे मालूम है उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कुछ लोगों का कि अलवालिया से कमेंट डिलीट कराओ। मैंने कहा सर आपने मुझे जो दिए वो सच बोला, मैं जो मर्जी हो जाए ये कमेंट्स को पूरी दुनिया को बताऊंगा कि भार्गव साहब का ये है दिल का दर्द अबाउट द जियो हेरिटेज बीइंग लॉस्ट। कमेंट्स आर ऑफ नो हेल्प, ही सेड, आई हैव रिटन अनटीन नंबर ऑफ टाइम्स लेटर्स टू चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इंडस्ट्री टूरिज्म एंड डीएसटी, नो वन केयर्स इवन टू रिस्पॉन्ड। फेस टू फेस दे से एग्री, बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन दे बिकम इनर्ट। जायंट स्कॉर्पियन ट्रेस फॉसिल इरोडेड, जायंट स्कॉर्पियन हमारी बॉडी से भी बड़ा होता है, eroded in road building, a turbo section, paleoprotozoic, paleosol concealed by concrete walls. I had suggested thick transport prospect sheet we used was not listened to. Road building has scientific norms. These have been ignored. एक लाइन मैंने काट दी है बिकॉज वो थोड़ी सी सेंसिटिव थी। किसी साइंटिफिक सोसाइटी ने उनको प्रॉमिस किया था कि इस इश्यू पे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करेंगे, वो बाद में मुकर गए, उन्होंने नहीं किया। तो ठीक है, किसी को क्यों दोष देना, किसी ने भी तो कुछ नहीं किया, बड़े बड़े लोगों ने नहीं किया, जो बोल सकते थे बोले नहीं, उनका तो कुछ नुकसान ही नहीं हो सकता था। इस उम्र में 80 इयर्स की उम्र में, 85 इयर्स की उम्र में, जब आप दुनिया भर के अवार्ड्स ले चुके हो, दुनिया भर के ऑनर्स ले चुके हो, आपसे अमीर आदमी कोई नहीं है अवार्ड्स के मामले में, तो काहे का डर। आपकी तो उम्र थी कि आपने एक बार आंख उठा के बोला होता, थोड़ी सी आवाज उठाई होती तो वो थर थर कांपते कि देखिए इन्होंने कह दिया है, इसको इग्नोर ना करें। So, कसम है हमको इस दिन की, इस आजादी के दिन की, अगर हमने हिमालय की धरोहर को ना बचाया, यही हमारी पेट्रियोटिक ड्यूटी है, ये बहुत बड़ी ड्यूटी है, इसको निभाना हमारा परम धर्म है। परसुएशन, हाथ जोड़ें, रिक्वेस्ट करें, करें, पर
इसको सुधारें, हिमालय का भट्टा ना बैठने दें। कसम है हमको इस रिपब्लिक डे की, हमने इसको, ये हमारी पेट्रियाटिक ड्यूटी है, ये हमारी साइंटिफिक ड्यूटी है, ये हमारी जियो एथिकल ड्यूटी है। ऐसे बनते हैं पहाड़। मैं फटाफट आपको बता दूं, होल्डिंग होल्डिंग जो थोड़ी बहुत देखते हो आपको, आपको आइडिया रहे कि हिमालय जब इंडिया जब चल रहा था तो कैसे कैसे रॉक्स जो फोल्ड हो रही थी, ये पूरा का पूरा हिसाब किताब, पूरा हिमालय ये इतना बड़ा है एरिया हमारा। और आई होप पाकिस्तान में और भूटान में और उधर बर्मा में भी यही नहीं हो रहा जो हम कर रहे हैं। अगर वो भी सारे यही कर रहे हैं तो फिर तो दुनिया बोलेंगे कि साहब ये साउथ एशिया वाले बस ऐसे ही हैं, हमारी पड़ी। ये रहा इतना बड़ा, जो बड़े बड़े भूचाल हैं यहीं तो आते हैं, यहाँ पे आपने माउंटेन चेन को स्टेबलाइज करने की जगह डिस्टेबलाइज कर दिया। वाह रे वाह, बहुत अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस है। वो जब मैं इतिहास की बात कर रहा था, ये नीचे से लेके पेलियोपोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोपोटेरोजोइक, नियोपोटेरोजोइक, ये है वो 190 करोड़ साल का इतिहास। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 1996 का जियोलॉजिकल मैप का ये सीक्वेंस है। ये हर वक्त ये रिवाइज होता है, इंप्रूव होता है। ये इसी इन्हीं सेक्शंस के, हिमालयन सेक्शंस के बूते पे हिमाचल का ये पूरा का पूरा इतिहास, इस इतिहास के आर्काइव्स को आपने सील कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। कितना बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है ये, अनफॉरगिवेबल ब्लंडर। दिस इज द हिमालयन ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर अबाउट हिमालयन जियो हेरिटेज, अनफॉरगिवेबल बट कैन बी करेक्टेड, मस्ट बी करेक्टेड। गूगल अर्थ का जरा हिसाब किताब सब बच्चों को, सब फैमिलीज करवाएं, हिमालय के पूरे दर्शन कराएं, सभी झीलों के, सभी नदियों के, और ये फ्री में कर सकते हैं आप घर बैठे। तो इसको जियो पार्क्स नेटवर्क की थोड़ी गूगल सर्च करिए, गांधियन माइंडसेट टुवर्ड्स मदर अर्थ एंड एनवायरमेंट, दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। इतनी बात कहने के बाद में भी मैं, यू नो, गांधियन स्पिरिट, किसी की भावना को आहत करने का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ देश की सेवा और देश की समृद्धि और तरक्की ही मुद्दा है। तो आइए हम प्रेरणा लें बीरबल साहनी साहब से, वाडिया साहब से, डब्ल्यूडी वेस्ट से, एम आर साहनी से, और गांधी जी से, और गडकरी जी को भी कहें कि इनसे प्रेरणा लें और हाईवेज की कंस्ट्रक्शन को साइंटिफिक ओरिएंटेशन दें। और ये अदरवाइज ये 4600 मिलियन ईयर्स का गाथा, जो 4000 मिलियन ईयर्स जो हमारे देश में है, 190 करोड़ साल का इतिहास जो हिमालय में है, वो कंक्रीट में दफन हो जाएगा और हिमालय को शांति नहीं मिलेगी। आने वाली पीढ़ियां कहाँ करेंगी कि शांति, पृथ्वी की शांति बोलते हैं, अकेले से उनको लिखना पड़ जाएगा, हिमालय को भी शांति दे। द डस्ट वी ट्रेड ऑन वाज वंस अलाइव इन जियोलॉजिकल पास्ट। तो इन सड़कों पे भी अगर वो चिन्ह देंगे, इस अपर स्पीति वैली की है, यही सड़क जाती है उस परमोट्रैसिक बाउंड्री के सेक्शन में, काजा के पास में, तो अगर इन पे पत्थर चिन्हने शुरू कर देंगे आप, ये सुंदर हिमालय हरा भरा ही तो अच्छा लगता है। ये तो हाई ऑल्टीट्यूड में तो वैसे भी पेड़ कम होते हैं, अगर यहीं पे रखे से आपने यहाँ पे भी कंक्रीट पोतना शुरू कर दिया, अरे कितना बड़ा पाप है, इरिवर्सिबल पाप। थोड़ा सा दोष इनको भी दूंगा, ये अगर चाहते आवाज उठाते, ये मेरे, मैं यहीं का एलुमनाई हूँ, 10 साल यहीं पे ट्रेनिंग ली है मैंने, नौकरी शुरू में यहीं की थी। वो होते हैं ना पहला प्यार और पहली नौकरी, आदमी कभी नहीं भूलता। इंडिया को मेरा हमेशा सलाम, इनसे भी मैं उस दिन बोल के भी आया हूँ कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, इसके बारे में आवाज उठाइए, अपने साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लीजिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द नोडल एजेंसी ऑफ ऑल दीज हेरिटेजेस, नेचुरल हेरिटेज। तो दुनिया भर में ऐसे ऐसे ये हाइब्रिड इवेंट्स होते हैं, जियो टूरिज्म फेस्ट होता है, इंटरनेशनल फेस्ट होता है, हमारे यहाँ इसकी प्रथा चलने लगी है, बढ़ेगी तो हम भी ग्लोबली कॉम्पिटेंट होंगे, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होंगे, और हमारे भी भूवैज्ञानिकों की तस्वीरें यहाँ लगा करेंगी जब हम इंटरनेशनली बोलेंगे आजकल। तो मैं ये सारी बातचीत को इसी से, इस शांति पाठ से ही खत्म करना चाहता था, पर एक दो बातें हैं और जो दिखानी है आपको। सारा सुधरेगा जब जब इंसान की छुट्टी हो जाएगी यहाँ से, बिना इंसान के धरती बड़ी सुंदर है,
इंसान अभी वो कोविड ने अंदर कर दिया था ना, क्या बढ़िया हो गया था। देहरादून की सड़कों पे हाथी घूम रहे थे, इधर में पक्षी क्या चहचहा रहे थे, और इंसान अंदर था। सबसे इर्रेस्पॉन्सिबल, सबसे बदतमीज जानवर इस धरती पे है तो इंसान है। ये कभी ना कभी तो चले ही जाएगा, इन बेचारों को तभी चैन पड़ेगी। ये घट गए हैं आजकल काफी ज्यादा, और आप देखिए इस सारी एक्टिविटी में कितना बड़ा ट्रीज का लॉस हुआ हुआ, कितना बड़ा वाइल्ड लाइफ का लॉस हुआ होगा, कितने बड़े पक्षियों का लॉस हुआ होगा। ये पूरा जिसको बोलते हैं जियो एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑडिट ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट शुड बी कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन। आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है, अरे भगवान के दरबार में तो क्लियरेंस लेनी होगी ना आपको, जिसने इस हिमालय को बनाया, जिसने आपको पैदा किया। आप अंधाधुंध सब कुछ तोड़ देंगे और सब जगह कंक्रीट लगा देंगे तो वो तो नहीं ना। तो ये देखिए जो ये चंडीगढ़ एक आधुनिक शहर, यहाँ पे ये मेरे ही आर्टिकल है, मैं फंस गया था एक दिन 38 सेक्टर में, मेरी कार डूब गई होती, बड़े बाल बाल मैं उसमें से जैसे तैसे गाड़ी निकाली, टांगे कांप रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, और ये शहर में चंडीगढ़ जैसे शहर में बाढ़। अरे इस एक्सप्रेस वे हिमाचल में इस पहाड़ पे बाढ़, कोई सोच नहीं सकता कि पहाड़ पे बाढ़ आ सकती, पर हाईवे ऐसा बढ़िया बनाया है कि अंदर में पार्टीशन लगाई है, ओके लोकलाइज, बाढ़ इतनी होगी कि गाड़ी डूब जाएगी या बह जाएगी। तो ये जो चंडीगढ़ में डड्डू माजरा में हुआ वो मैंने सुना है कि वहां भी हो रहा है अपने तारा देवी। कंक्लूडिंग, जियोएथिकल रेमेडीज टू नेशनल डेवलपमेंट, इनसफिशिएंट फोकस ऑन अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज लीड्स टू पुअर नेशन बिल्डिंग, इनफॉर्मल एजुकेशन इन बोथ साइंसेज is the only way today when we have lagged behind in formal scientific education in both in schools, colleges and universities. 5% colleges mein, universities mein, sirf Hindustan mein 75 saal ke baad mein geology padhai jati hai. China mein 100% institutes mein geology padhai jati hai. Chhota bachcha bhi geology janta hai. Is desh ko agar aapne gareeb aur downtrodden aur pichhda nahi rakhna to jaise taise एक इनफॉर्मल हॉबी जैसे हम कोशिश कर रहे हैं इस उम्र में, और पर एजुकेशन जो है वो पूरी पूरी की पूरी, जो भी मलबा निकल रहा है सड़कों की कंस्ट्रक्शन में, हर गांव में हर पंचायत में हाथ जोड़ के भारत सरकार से, सभी स्टेट गवर्नमेंट से, सभी एनजीओ से, सभी स्कूल्स के टीचर्स से, सभी सरपंचों से ये कहता हूँ, इकट्ठा करके अपने अपने स्कूल में म्यूजियम बना लीजिए। उसके बाद में आजू बाजू में जो भी जियोलॉजिस्ट होगा कुछ होगा, हम मदद कर देंगे, आइडेंटिफाई कर देंगे, और वो इतनी बड़ी एक इनिशिएटिव होगा पूरे देश में कि हमारा देश जाना जाएगा कि विलेज लेवल का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बना दिया, विलेज लेवल का। तो बहुत आसान है, सड़कें बन रही हैं, वहीं से उठा लीजिए। ऑल जियोलॉजिस्ट लोकेशन, आप आजकल मोबाइल से लोकेशन हर चीज के दे सकते हैं कि यहां से उठाया, लोकेशन दे दीजिए, उसके बाद में देख लेंगे। All geologists and environmental amateurs and experts need to be grassroots science club movers in Indian masses and classes. अमीर तो सुनते नहीं, गरीबों को कोई सिखा नहीं रहा। जरूरत है हिंदुस्तान के लिए अमीरों को थोड़ी तमीज सिखाई जाए कि हाईवेज कैसे बनाने हैं, और गरीबों को कहें हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पढ़ जाओगे लिख जाओगे तो कलाम बनोगे, होमी भाभा बनोगे, सीवी रमन बनोगे, और ये जो नक चढ़े मूरख घूम रहे हैं इतने सारे, इनके ऊपर बैठोगे, इनके बॉस बनोगे। ये कहना है उनको कि भगवान ने तुमको उससे ज्यादा काबिलियत दी है, क्योंकि तुम्हारे पास उतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फजूल के काम करने को नहीं है, तुम सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, तुम अब्दुल कलाम बन सकते हो। वेस्टर्न वर्ल्ड बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ जियो पार्क, जियो साइट्स एंड जियो एंड इको ट्रैक्स एंड मिंटेड ट्रिलियंस। वो तो अमीर हो गए, और हम हैं एक हिमालय इतना बढ़िया, हम इसको यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं, अपने ही दुश्मन बन रहे हैं। हमें अब दुश्मनों की तो जरूरत ही नहीं, हम तो अपने काफी हैं। Our rich landscapes are a blank check of Mother Nature. We can encash with awakened masses and classes. पढ़ जाएंगे बच्चे, जागरूक हो जाएंगे, मन में चेतना होगी, रोमांच होगा पहाड़ों का, दक्षिण के पठार का, डेकन वॉल्केनिक्स का, आइलैंड टेरिटरीज का, हिंदुस्तान उसी दिन समृद्ध हो जाएगा। बीइंग नेचुरली रिच बट रिमेनिंग फाइनेंशियली पुअर, हंगरी एंड डाउनट्रॉडन इज अवर नेशनल ट्रेजेडी। टाइम टू वेक अप, टाइम टू चेंज एंड बिकम एफ्लुएंट।
Multilingual and visual experiences succeed much better than too much jargon and exotic. जो ये अंग्रेजी में बात करते हैं और बड़ी टेक्निकल बात करते हैं वो सोचते हैं बड़े अंग्रेज हैं साहब, हम तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं अंग्रेजी में बात करने से और टेक्निकल बात करने से, उनको ये पता कोई नहीं सुन रहा तुम्हारी, किसी को समझ नहीं लग रही। अगर तुम्हारी बात नहीं समझ लग रही तो काय को बात कर रहा हूँ, अरे हिंदी में बात करने से क्या तुम क्या इन्फीरियर हो जाओगे? हिंदी से बढ़िया लैंग्वेज कोई नहीं है, हमारी लोकल लैंग्वेज से बंगला में बोलो। वो नाइगल हुज यहाँ आके बंगला में वो फॉसिल्स की डिस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट करके लिख रहा है, शांति निकेतन में पढ़ा वो 9 महीने, तो बंगाली बन जाओ, तमिल के स्कॉलर बन जाओ, मराठी स्कॉलर बन जाओ, पंजाब के कवि बन जाओ, भोजपुरी के बन जाओ, अंग्रेजी भी सीख लो, अंग्रेजी बहुत जरूरी है। मेरी तो सारी स्लाइड्स इंग्लिश में ही है ना, पर बात तो करी ना मैंने हिंदी में करनी बात लोग, ये तो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, आप हिंदुस्तान को अंग्रेजी में नहीं पढ़ा सकते, आपको लोकल लैंग्वेजेस का ही चॉइस करना होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लोकल मदर टंग्स बंगला तमिल मलयालम हिंदी भोजपुरी तेलुगु एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं 3 साल आंध्रा में रहा हूँ, माकू तेलुगु तलसिंदी, तेलुगु जानता हूँ मैं। इमोशंस फॉर नेचर आर द बेस्ट टूल्स टू क्रिएट एक्सपीरियंशियल एक्साइटमेंट इन अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस। इमोशन आई मस्ट से दिस, आई पिक्ड अप इमोशन फॉर हिमालयाज फॉर द मदर नेचर फ्रॉम सम टीचर्स, फ्रॉम माई मदर ऑब्वियसली, बट फ्रॉम सम टीचर्स, एंड आई सैल्यूट ऑल ऑफ देम, प्रोफेसर भाटिया, प्रोफेसर पांडे, प्रोफेसर वी एस तिवारी, एंड सम लिविंग लेजेंड्स लाइक अशोक सानी, ओम भार्गव, अशोक पटवर्धन। दीज पीपल गेव मी ऑल माई इमोशन एंड पैशन फॉर जियो साइंस। इफ आई स्पीक दे आर स्पीकिंग थ्रू मी। गॉड ब्लेस, आई एम डन। हेलो सर, या कैन यू सी मी? आई एम नॉट फ्रॉम योर फील्ड, आई एम डॉक्टर शकुंतला लवासा, MD and PhD. एक मिनट, let me put this on. मैं, हाँ, now I can see. Yeah, so I am actually a medical doctor, MD and PhD in allergy immunology from PGI. And actually, you know, I was looking forward to attending such a lecture, क्योंकि इतने साल हो गए इस region में रहते हुए और ऐसा लगता था कि बस जितनी बार उस direction में जाते हैं ऊपर की तरफ हिमालय की तरफ, तो बस इतना रोष, इतने आंसू, और कई बार तो ऐसा लगता था कि रास्ते से ही लौट जाएं कि ये सब क्या देख रहे हैं। ये किस लगने तरह लगा, देखा था लगने लगा। हाँ, मुझे किस लगने तरह लगा है कि इसके, हाँ, इसके लिए मैं आपको जिम्मेदार मानता हूँ कि मैंने आवाज थोड़ी ठीक से नहीं उठाई। आप मेरी बात सुनिए, तो मतलब ऐसा लगता था कि मतलब बस मतलब लौटने के अलावा भी क्या कर सकते हैं, और मतलब कई बार मीटिंग्स की, इवन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग्स की, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जो आप लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं और जिस तरह से आज आपने ये सारी बातें बताई, तो मतलब ऐसा लगा कि जो मैंने मेरा इतना रोष था तो वो जोश में नहीं बदला, तो इसीलिए ये सारी दुर्दशा मेरे जैसे कई लोग देखते रहे जो इतना फील करते थे। और बचपन से इतना ट्रैकिंग का शौक था, बच्चों को भी खूब ट्रैकिंग कराया, इतनी दूर दूर पूरे हिमालय में जहाँ ट्रैकिंग नहीं हो सकती थी, तो वहाँ पे इवन कार रैलीज का सहारा सिर्फ इसलिए लिया कि जल्दी जल्दी रैपिडली भी इतना सारा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन मतलब देखते देखते ऐसा लग रहा है कि बस दुर्दशा ही देखी। और डेवलपमेंट का जब देखने का मौका आया, तो मतलब अपनी जो मेरी नीस जब IAS ऑफिसर बनी और लेह की डिप्टी कमिश्नर बनी, तो उसके थ्रू जो कंडीशंस और लेह का जनरल एनवायरनमेंट, मतलब आप सभी देख सकते हैं क्या क्या देखा, तब जाके थोड़ा विश्वास आया कि मतलब जो यूथ जो जियोलॉजी नहीं पढ़े हुए हैं लेकिन अवेयर हैं और फील करते हैं हिमालय के लिए, धरती के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, तो और पब्लिक पॉलिसी मेकर्स हैं, तो वो चेंजेस ला सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने आज लेक्चर लिया है, तो आपको तो लगता है ग्रास रूट लेवल पे ये लेक्चर नहीं, लेकिन जैसे तरह की आपकी बातचीत रही है हमारी लोकल भाषा में जो हम सब समझ पा रहे हैं, तो हर एक जने के मन में एक जागृति लाने का काम होना चाहिए ताकि अपने लेवल पे ही कुछ करें। देखिए, हमारा चंडीगढ़ शहर है
वहाँ पे लेक के पीछे कितना सुंदर इको सिस्टम था, फॉरेस्ट था, सब कुछ था, और वहाँ पे देखिए क्या आर्टिफिशियल बर्ड पार्क बना दिया है। और हमारे देखते देखते ही हमारे ही मतलब एज के पॉलिसी मेकर्स ने ऐसा डिसीजन लिया। और कहाँ के रंग बिरंगे पंछी ला के रखे, वो सिंगापुर के पंछी, कहाँ के पंछी यहाँ पे कहाँ रह पाएंगे, मतलब क्या देख रहे हैं हम। तो आज का आपका लेक्चर मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे रोष को कोई सहारा मिला है, जैसे लग रहा है कि जैसे किसी ने आंसू आज पहुंचे हैं। मैं सच बताती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी किसी को इतनी सेंसिटिविटी से हिमालय के बारे में रोते हुए नहीं सुना, जितना कि मैं हर वक्त रोती थी जितना भी मैं वहां जाती थी। और मुझे आपसे यही है कि अगर आप कहें तो मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमको पब्लिक को अवेयर करना है, ताकि मुझे ऐसा लगता था कि ये जग दक्षाई में पहाड़ कट रहा है और इतना सुंदर देख के गई थी, तो ये चिपको मूवमेंट जैसा हम क्यों नहीं कर पाए कि वहां हम सब चिपक जाते कि कोई कैसे काटता उसको। लेकिन सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की ताकत भी तो मतलब बहुत बड़ी ताकत होती है, और कुछ कुछ लोगों में होती है। फील करना तो इमोशंस हैं जो कि नेचुरली आ जाते हैं। तो मैं आपको आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ सर, और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे कुछ भी जिम्मेदारी देंगे ना, तो मैं तो इनके लिए इतना फील करती हूँ जैसे मेरे पुराने मतलब बुजुर्ग हैं जिनको कि मैं अपने आंखों से कटते हुए देख रही हूँ, ऐसी फीलिंग होती है मुझे तो इस इनको देख करके। और हम देखे सर, मैं सिक्किम में भी रही हूँ, मैं एक आर्मी डॉक्टर थी, तो मैं सिक्किम में उस टाइम गई थी 1977 में, जबकि सिक्किम में ना इलेक्ट्रिसिटी थी ना वाटर था, और हम लोगों को पैदल चल चल के जाना था। हम लोग पेशेंट भी लालटेन में देखते थे और ऑपरेशन पेट्रोमैक्स में करते थे, लेकिन उस टाइम इतना अच्छा एनवायरनमेंट था। और उस टाइम भी हम लोग कोई ऐसा नहीं था कि कोई साधनों के अभाव में पेशेंट्स को नहीं बचाते थे। हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट्स हमारे यहाँ पे गाड़ियां भर भर के आते थे बॉर्डर से, नाथुला बॉर्डर से, और मतलब एक आध घंटे में जैसे ही उनका चेंज होता था और हम लोग ट्रीटमेंट देते थे, बदल जाता था। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अब सिक्किम भी बहुत बदला है, बहुत बदला है, लेकिन फिर भी आप वहाँ के पे जाके गैंगटॉक शहर को भी देख लीजिए, कितना अच्छा उन्होंने अपना एनवायरनमेंट प्रिजर्व किया है, कितना अच्छा उन्होंने अपने हिमालय की रक्षा की है। और ऐसे जो मैं अपनी अपनी नीस का एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो चादर ट्रैक पे उसने जो रेगुलेशंस लगा दिए, क्योंकि चादर आपको मालूम है कि पिघलने लग गया, छेद होने लग गए, इतनी कैजुअल होने लग गई। तो मतलब जो चाहते हैं, जो फील करते हैं, कमिटेड हैं या यूथ हैं चाहे, लेकिन पब्लिक की पॉलिसी मेकर्स हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम जैसे लोग तो मतलब सिर्फ फील कर सकते हैं, और मोटिवेट करने की ताकत भी जैसे आपने बताया कि आपके जियोलॉजी के इतने सारे लोग हैं उनके अंदर थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपनी आवाज नहीं उठा पाए। तो इन शॉर्ट मैं आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत जरूरी है सर। थैंक यू। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में सर के जो बातचीत थी उसकी सराहना की, और मैं समझता हूँ सोशल सब्सटेंस का ये मकसद पूरा होता है इस बात के साथ। हम लोगों का मकसद ही ये है कि लोगों को एक साथ लाना, जिसमें कि जो लोग हैं वो एक रिसोर्स बन सकें, एक ताकत बन सकें। हम जो उंगलियां हैं अलग अलग काम कर रही हैं, उसको एक मुट्ठी बनाना, एक हाथ बनाना, उस हाथ को हाथ में पकड़ाना, ताकि हम आगे जो सोचते हैं, जो समझते हैं, उसको ताकत के साथ इम्प्लीमेंट कर सकें। आपने कुछ बड़े ही चुनिंदा शब्दों का जिक्र किया, चिपको मूवमेंट का जिक्र किया। देखिए उसमें भी मास अवेयरनेस की बात है, अभी भी वैसी मूवमेंट्स पूरे भारतवर्ष में कहीं कहीं चल रही हैं अलग अलग दिशाओं में, तो इस को भी एक मूवमेंट बनाना पड़ेगा। और प्रोफेसर आहलूवालिया साहब ने जो लेक्चर लिया है, जो बातचीत कही है, कमाल के शब्दों में उन्होंने अपनी भावनाओं को और हमारे सामने तस्वीरों के रूप में रखा है, बहुत सारे रिसर्चर्स को रखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग इस बारे में कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, लागू करवा सकते हैं, उन सबको एक स्तर पे आना ही पड़ेगा। तो मे बी ये शुरुआत है एक, जहां से हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने इस रोष को जोश में बदल सकते हैं। तो मैं इसके साथ साथ जो हमारे बाकी भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक एक करके आवाज़ दूंगा। मैं यहाँ जैसा कि हमारे हर एक प्रोग्राम के अंत में रहता है कि एक इंट्रैक्शन रहती है, तो मैं एक एक करके नाम पढ़ूंगा, तो आप वो जिनका नाम पढ़ूंगा वो अपना माइक ऑन करके सर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में सबसे पहले अनुज शर्मा जी हैं। अनुज शर्मा जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आपका स्वागत है, माइक ऑन करके आप कह सकते हैं।
हेलो सर, अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, एक्चुअली मैं बाहर हूँ थोड़ा सा, आपकी तो आवाज अभी बिल्कुल हमें आ पिछले रही है सर, हम आपको देख पा रहे हैं, प्लीज अपनी बात कहिए। मैं अलवलिया सर का ही स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी 2009 बैच जियोलॉजी पास जी आउट हूँ, और मैं कह चाहूंगा कि सर का इनिशिएटिव बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत रिक्वायर्ड है कि हम कर सकें ये। और सबसे बड़ी बात, आज दिस इज द नीड ऑफ द आवर, जो कि मेरे को लगता है जी ये बहुत, और क्योंकि सर के साथ सर मैं बहुत ज्यादा एसोसिएटेड रहा हूँ, बहुत टाइम से रहा हूँ, कई बार हो सकता है कई बार पूरा डिस्कनेक्ट हो गया होगा सर के साथ, बट वी हैव अ लॉट ऑफ, सर गुड मॉर्निंग, वी हैव अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज, हमने नुक्कड़ नाटक किए हैं, हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत से छोटे छोटे प्लेज किए हैं कि सो दैट वी कैन क्रिएट अवेयरनेस। मुझे आज भी याद है, दैट नॉस्टैल्जिया विद मी कि हमने क्या क्या किया है। सर आई के बहुत अच्छे बहुत सीनियर मेंबर है इंटरनेशनल ऑफ प्लेनेट अर्थ, तो हमने मिलकर काफी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की थी, और जब मैं स्टूडेंट था ये सब की बात है, आफ्टर दैट मेरे को नहीं पता कि सर ने क्यों नहीं और बच्चों को जैसे हम लोगों को मोटिवेट किया, और क्यों नहीं इतना कनेक्ट किया कि वो भी कुछ ये नुक्कड़ नाटक की टाइप करते चंडीगढ़ में या किसी और स्टेट्स में, सो दैट जिन बच्चों को नहीं पता, जो बच्चे अभी तक नहीं कर पा रहे थे ये बायोलॉजी को लेकर, वो मेरे घर से कर सकते थे। आई होप सर कहीं और बिजी होंगे, जी भी मैं कहीं होंगे, अनु शर्मा जी आपको बट दो मैं रिसोर्सेज यहाँ बताना चाहूंगा, उससे इससे पहले जी कि मैं सर को यहाँ दावत दूँ आपका जवाब देने के लिए, मैं दो रिसोर्सेज आपको यहाँ बताना चाहूंगा जो सर ने अभी क्रिएट कर रखे हैं। उन दो रिसोर्सेज के जरिए हमारा बिल्कुल ये प्रयास है कि जो यूथ है या एल्डरली है, जो भी है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी पैरामीटर के, हम सभी को उन दो प्लेटफॉर्म से इन्वाइट करते हैं ताकि आके वो जुड़ें। सर का एक YouTube चैनल है अर्थ टॉक्स के नाम से, जिसके ऊपर सर की सारी वीडियोस वहां चली जाएंगी, उसके ऊपर लगातार हम, शर्मा जी बस एक मिनट मैं आपको एक बात बताऊं। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है सोशल सब्सटेंस के नाम से, हमने फेसबुक पे ऊपर क्रिएट किया है, ये एक ग्रुप है जिसमें सभी मेंबर्स को कोई भी अफर्मेटिव बात अपनी सामने रखने का अधिकार है, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे भाषण हो, कोई 2 मिनट अपनी बात को रखना चाहता हो, तो सभी का वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में, फोटोग्राफ्स के रूप में, पोस्टर्स के रूप में, किसी भाषण के रूप में, रिसर्च पेपर के रूप में, जिस भी तरीके से कोई वो बात सामने रखना चाहता हो और सब लोगों को जोड़ना चाहता हो, तो उसमें हम लोगों ने सबको एक प्रयास किया है कि सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारी बातचीत एक जगह पे आ जाए, ताकि जब कोई उस ग्रुप को विजिट करे तो उसको सारी डायमेंशंस के ऊपर वो बात समझ आए। जी प्लीज आप कहिए जो कहना चाह रहे थे। मैं बस यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सबको, क्योंकि सर बहुत अच्छे मोटिवेटर भी है, सर बहुत अच्छे मतलब एक आइडियल है मेरे लिए, तो जो कि बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं और सो बहुत ग्रेसफुली रखते हैं, जैसे आज सर ने बहुत अच्छा टॉक किया और बहुत ग्रेसफुली लिया, और मैं नीड ऑफ दैट टू से जियो हेरिटेज इन हिमालयस, तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन सर आपको लगेगा, यू हैव माय नंबर, आप प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट करिए, आई विल डेफिनेटली बी देयर फॉर यू। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सर। अरुणदीप सर आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। ग्रेट सर। उसके साथ मेरे साथ लिस्ट में आगे हैं मैडम कमलप्रीत जी, प्रोफेसर कमलप्रीत जी हमारे साथ जुड़े हुए। कमलप्रीत जी आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? जी उसके बाद दत्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता साहब अगर आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज। अरुण के लिए क्या कहना, अरुण को मैं रब से अच्छे जानता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, और आज तो बहुत दर्द के साथ बहुत दिनों से वो लिख रहे हैं इस बारे में, और हम लोग मैं तो सिर्फ लिख देता हूँ कि मैं एग्री करता हूँ, पर ये अरुण एग्री करना और दर्द बताना ये ठीक है, पर कुछ करना चाहिए। वो नुक्कड़ नाटक वाटक तो ठीक ही है, सबको पता है कि कुछ बर्बादी हो रही है अरुण, और पूरे इंडिया में हो रही है, ऐसा नहीं है, मैंने उसको देखा था, फॉसिल के फॉसिल ही चले जा रहे हैं, बाघ वाले बोलते हैं, हरियर रूर वाले बोलते हैं, नीलगिरी वाले बोलते हैं, अब चारों का तो मैसेज है ठीक है निकालते जाओ, चारों का घनघट्टा बनाते जाओ, बट फॉसिल वही मिलता है जहाँ वो मिलता है, माने हम लोग जानते हैं, तो कुछ सोचना चाहिए कि हम क्या करें, ये बोल बोल के, और ये 18 लोग
1.35 करोड़ है हम लोग। मैं आदिवासी क्षेत्रों में जैसा अरुण ने काम किया, मैं तो 25 साल काम किया, चारों तरफ बर्बादी हो रही है। यहाँ बंगलोर में तो पहाड़ काट 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 के बस कुछ भी बनाते जा रहे हैं। तो पता नहीं जियो टूरिज्म, मैंने देखा है अमेरिका में क्या होता है, करोड़ों रुपए, जैसा उन्होंने बताया करोड़ों रुपए कमाते हैं। अभी भी मेरी बेटी घूम रही है, दिखा रही है मुझको दो प्लेटों के बीच की संधि। तो कुछ करना चाहिए, तो उस बारे में कुछ सोचो। जैसा अनुज ने कहा कि कुछ बना है, मैडम शकुंतला ने भी कहा कि हम ज्वाइन करेंगे, तो कुछ कंक्रीट कुछ करो, ये कंक्रीट को निकाल दो हिमालय से, कुछ करना चाहिए। वो चिपको को तो अपन नहीं कर सकते, पर हाँ कुछ एक संदेश कहीं पे कहाँ पे बोलना चाहिए। तो पूरी तो तुम्हारा दोस्त है, शायद उसको लिखने से कुछ होगा। पटकरी जी डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे, ये तो मैं, क्योंकि मैं नागपुर का भी हूँ तो वो बहुत ही नजदीक है। तो या फिर अभी हमारे विदेश मंत्री भी बहुत, उनके भाई हमारे सेक्रेटरी थे विजय, तो कुछ करना चाहिए। मेरा एक ही प्रस्ताव है कि ठीक है बहुत बोल दिए जी दत्ता साहब, आपने बिल्कुल एक मंत्र दिया हमें, कुछ करना चाहिए और कुछ करना मुझे चाहिए। मैं मुझे ध्यान नहीं आया कि नीतीश तो लड़करी जी का पड़ोसी है, उनको जाके एक दिन बोला आएगा घर पे कुछ करा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लड़करी जी वहां नहीं मिलते हैं, आ जाएंगे आ जाएंगे। पर आरएसएस हमें किसी को पकड़ पकड़ तो आप बिग डॉग है, वेरी वेरी कंसर्नड है, दे आर नॉट नॉर्मल, दे आर रियली डेडिकेटेड। सो द पॉइंट इज दिस सर, कि कुछ करना चाहिए। और मैं ये जो सोशल सब्सटेंस है उसकी तरफ से यही संदेश देना चाहूंगा कि हम जितने भी स्कूल कॉलेजेस के साथ काम करते हैं, जितने भी उनके प्रोफेसर चंडीगढ़ से यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो अपने बच्चों को ये टॉक ज़रूर दिखाएं। इस टॉक के लिंक्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप चैनल्स पे ऑलरेडी शेयर्ड हैं, स्कूल यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी स्कूलों के टीचर्स हैं उनके व्हाट्सएप पे ये मैसेज पहुँचे हुए हैं ऑलरेडी, और वो डेफिनेटली इस टॉक को अपने बच्चों को भी दिखाएंगे। और हम जहाँ जहाँ भी वर्कशॉप्स करते हैं इस टॉक का रेफरेंस ज़रूर लेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीज़ें हमारे जो डिफरेंट क्लब्स बने हुए हैं उनके अंदर भी हम आगे पॉपुलेट कर सकें। और दत्ता साहब का मंत्र जो है यहाँ पे हम फॉलो करें, कुछ करना चाहिए, कुछ तो किया जाएगा। सचिन रनाडे जी, यहाँ और एक सुझाव है अरुण वगैरह के लिए जी, कि हमको दिखाएं यदि उनके पास कुछ हो, या जो देख रहे हैं हिमालय को या कोई भी किसी भी जगह को, उसकी इम्पोर्टेंस जो मैंने वो बोलना चाहते हैं कि ये परमोट्रेसिक बाउंड्री है, ये क्रिटेशियस का वो है। जैसे हमारे यहाँ जो इंटरट्रैपियन है वो तो रोज खोद खाद के उसको छोटा सा तो रहता है, उसको निकाल के मेरे को लगता है जैसलमेर का अगूर भी खत्म हो रहा है। तो जी ऐसा हो सकता है सर, जो फॉसिल्स आप, जी जी जो फॉसिल्स आप बता रहे हैं बहुत बड़ी धरोहर है हमारी, और वो किसी एक व्यक्ति विशेष की धरोहर नहीं है, पूरे देश की धरोहर है जो अगर खत्म हो रही है। और ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स इस टॉक में पॉइंट आउट हुए हैं जिसको देख के मन वाकई द्रवित होता है। और जो आप ये देखो, एक्सक्यूज मी अरुण जी, आप ये देख लो, अब हम रोज जाते हैं, कौन से ढलान पे पहाड़ पे आपको कचरा नहीं दिखता, आप पूरा देख लो, मतलब यहाँ से कालका ऑनवर्ड्स ऊपर चलती रही, कोई भी जगह ऐसी नहीं है, चाहे ढाबा हो चाहे नहीं हो, घरों के नीचे भी ढलानों पे कचरा होता है। और इवन जैसे जिनको बहुत सुंदर टूरिस्ट कसौली वसौली कहते हैं, वहां पे भी पूरे ढलानों पे कचरा होता है। हम इतने सालों से जा रहे हैं एज टूरिस्ट और ब्यूटी, सो कॉल्ड ब्यूटी एंजॉय करके आ जाते हैं, लेकिन क्या कर पाए हम। अब आप देखिए जो सड़कों पे उन्होंने वो बायो टॉयलेट्स और ये सब लगाए थे, लोग उनके दरवाजे तक उखाड़ करके ले गए। अच्छा, बंदरों के लिए जो उस तरह की बिन्स लगाई थी कि ताकि वो कचरा नहीं निकाल पाए, तो उनके भी मतलब पलटे, लोग अपना पता नहीं बेचने के लिए ले गए या क्या ले गए। तो अब इतनी छोटी छोटी चीजें जो रोज की जरूरत है, जहाँ पे कचरे का डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए और लोगों को करना चाहिए, या म्यूनिसिपैलिटी को भी क्लियर करना चाहिए, या कोई पॉइंट्स बने हुए चाहिए, आप पूछे जाकर किसी को भी, घर वाले कोई भी खुश नहीं है, लेकिन क्या कर रही है म्यूनिसिपैलिटी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। ये अरुण दीप ने जो कहा है कि पंचायत लेवल, ग्राम लेवल, हाँ, स्कूल लेवल, वहां पे किसी को जाना पड़ेगा, और वो जो बोला हिंदी में बताना पड़ेगा, हिमाचली में बताना पड़ेगा,
भाई ये अच्छी चीज नहीं है, अपने तो पंचायत लेवल के साथ में भी तो कंधे से कंधा मिलाकर के और पॉलिसी मेकर्स को कन्विंस करना पड़ेगा ना कि आप ऐसे प्रोवाइड करेंगे। जब तक पॉलिसी मेकर्स कन्विंस नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं दत्ता कर साहब पाएंगे। और डॉक्टर लवासा, मैं आपका 1 मिनट बीच में लूंगा, यहाँ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। हम लोग जो ये बातचीत कर रहे हैं ये एक बहुत ही अहम प्रोग्राम होता है जहाँ चीजें सेंसिटाइज करके हम लोग आगे चलते हैं। नहीं नहीं बातचीत करना तो बहुत ही जरूरी है, अगर बातचीत नहीं करते तो हमें ये भी तो नहीं पता लगता कि मैं जितना खराब फील कर रही हूँ, रो रही हूँ, तो आपका भी दिल उतना ही रो रहा है और आप जी जी से ये तो सोचते हैं कि हाँ, इसी तरह की आपकी बातचीत से हम बातचीत तो जरूरी है। हम बातचीत एक और प्रपोज करेंगे, कौन सा सुनेगा, हम एक और बातचीत प्रपोज करेंगे जिसमें हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे। लेकिन अब इस प्रोग्राम को क्योंकि हम एक फोकस दिशा की ओर ले जाते हुए, हम जो मैंने लिस्ट पढ़ना शुरू किया, प्लीज अलाउ मी, हमारे लिस्ट में 2-3 मेंबर और हैं, सो दे शुड नॉट फील दैट कि हमने स्किप कर लिया बीच में से, तो लेट अस बी डेमोक्रेटिक ऑन दैट वन। तो सचिन मैं भी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी हाँ जी मैम बताइए। जी सर का लेक्चर वाकई बहुत अवेकनिंग था। अगर इसको मैं बॉटनी के साथ रिलेट करूं तो सर कह रहे थे कि अगर ट्रीज कट भी गए चलो एक बात है, बट वो भी एक बात नहीं है सर, इसको भी हमें ये इररिपेयरेबल लॉस हो चुका है। एक ट्री लगाने के लिए हमें एक पूरा 25 से 30 साल लग जाएंगे, दैट इज अ लाइफ टाइम। सो सिर्फ यही नहीं हुआ कि सारा कंक्रीट के जंगल बन गए, बट ट्री लॉस इतना ज्यादा है और माउंटेन्स में जो ट्रीज लगते हैं उनकी जड़ पकड़ने में आई थिंक 25 से 30 साल भी कम है। तो वो भी एक पॉइंट बहुत जरूरी हो गया है कि हम एटलीस्ट, और सारी एग्जॉटिक स्पीशीज, सारा नीरियम, सारा कनेर लगा दिया है सेंटर में, कोई लोकल पाइनस सिट्रस इसके ऊपर नहीं वर्क कर रहा जो कि लोकल वहां के प्लांट्स हैं। सारा कनेर 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 करके उन्होंने लगाया तो है कुछ ग्रीनरी, पर वो बिल्कुल एग्जॉटिक स्पीशीज की तरफ चला गया है हमारा सारा सिस्टम जी। तो वो इसी, भी एक पॉइंट हमें देखना, इसी वजह से शायद 60% इसी वजह से शायद उन्होंने कहा कि 60% जंगली जानवर भी कम हो गए हैं। ये बड़े मुद्दे हैं मैम, और हम डेफिनेटली ये आज की जो चर्चा है इसको आगे बढ़ाते हुए हम एक पैनल डिस्कशन भी रखने की कोशिश करेंगे जहां सभी को एक प्रॉपर समय दिया जाएगा कि वो अपने अपने फील्ड से जो जो लॉसेस हुए हैं उनके बारे में चर्चा करें ताकि उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बन सके। तो डेफिनेटली जो आपने कहा है मैं आपसे दोबारा डिस्कस करने के बाद एक ऐसा हम चर्चा करेंगे जिसमें अपने अपने एक्सपीरियंसेस हम सामने रख सके कि हिमालय के अंदर जाके हमें क्या क्या एक्सपीरियंस इन दिनों में हुए हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सचिन रनाडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन स्कूलों और कॉलेजों के चारों तरफ कौन से पेड़ लगाते हैं लोग, इतने हम जियोलॉजिस्ट हैं, इतने जियोलॉजिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, कभी पूछते भी हैं कि प्रिंसिपल की भी सर लगा है जा? जी जी बिल्कुल कुछ करते बिल्कुल सर, हम इसका बिल्कुल जवाब लेंगे। मैं मीनवाइल सचिन रनाडे जी जो वेट कर रहे हैं, मैंने 3 बार अनाउंस किया उनका, तो सचिन जी आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज। आई एग्री के अलावा और कुछ कहना इस टाइम मुझे लगता है कोई ये नहीं है। तो हम सभी के विचार सुन रहे हैं और स्पेशली अरुण साहब का इतना अच्छा लेक्चर सुनने के बाद आई ऑल्सो रियलाइज कि सच में हमारे पहाड़ और जंगल ये इतने पूरी तरह से कट रहे हैं। और आई हैव एक्सपीरियंस पिंजौर के आसपास में भी या अपने हिमाचल में भी काफी जगह पे मैंने देखा है कि ये पहाड़ पूरे कट रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, ये नॉर्थ ईस्ट कई बार हमारे माइंड से स्किप हो जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में भी मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये मेघालय में पकड़िए या अरुणाचल में पकड़िए, थोड़ी अलग है। और पीपल ओन द होल हिल, पूरी पूरी हिल उनकी अपनी होती है और उसको वो चाहे जैसे बेच सकते हैं या इस तरफ से वो डिस्पोज कर देते हैं उसको। और मैं अभी देख रहा हूँ कि असम और मेघालय बॉर्डर पे पूरी की पूरी हिल कट के लोग ले जा रहे हैं और मिट्टी ढो रहे हैं और वो सब मतलब दिन रात ट्रक चलते रहते हैं। तो सच में ये जो आपने जो पॉइंट उठाया है और ये लेक्चर अरेंज किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे कुछ सर्वे के टाइम में मैं मेघालय गया था और जैसे साहब ने बोला अभी कि फॉसिल के फॉसिल गायब हो रहे हैं, मुझे भी वहां पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फॉसिल देखने मिले थे और अनफॉर्चुनेटली वो फॉसिल्स मिले जहाँ पे खदान थी, जहाँ पे लोग बोल्डर उठा के ले जा रहे थे, मिट्टी उठा के लेके जा रहे थे। और उसमें मुझे काफी सारे जो मराइन शेल्स होते हैं के बहुत सारे फॉसिल्स ऐसे ही पड़े हुए थे। और सेम थिंग अगर आप देखने जाएंगे
पिंजौर के पास में, काला आम के पास में, काला आम के पास में एक वंडरफुल फॉसिल गार्डन है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि यहाँ पे हमारे यहाँ ओके फिर से थे डायनासोर के कुछ पूर्वज वहां पे थे, और ये सब चीजें अभी भी हम कुछ ना कुछ क्वांटिटी में प्रिजर्व कर सकते हैं। और आपका जो हिमालयन बेल्ट है वो बहुत ही इस कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से ये आपने जो इश्यू आपने स्टार्ट किया है, आपने ये जो पॉइंट छेड़ा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से आपका जो ये जो मंच आपने प्रोवाइड किया है, इसमें हम लोग इस जरूर इस चीज में और काफी सारी चीजें डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ पे बॉटनिस्ट है, ह्यूमन डॉक्टर्स है, जियोलॉजिस्ट है, सारे मिलके अपने अपने पॉइंट्स यहाँ पे लिखते जाए। जैसे मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, मैं प्राणी जीवन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे हमारे आई एम स्पेशलिस्ट इन वल्चर्स, तो वल्चर्स कम हो गए उसकी वजह दूसरी थी, लेकिन आज अगर हम लोग देखने जाते हैं तो वल्चर के लिए भी कहीं पे जगह नहीं मिली है। जैसे आपने किसने अभी जस्ट पॉइंट बोला था कि काफी जगह पे हमको कचरा जब ऐसे मिल जाता है बहुत ही बुरी तरीके से, और एक्चुअली जो वल्चर का खाना था वो भी इसी मामले में बहुत खराब होते जा रहे, स्पॉइल होते जा रहे, और अनकंट्रोल्ड डस्टबिन या जो उसका वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे है, ये सारे पॉइंट्स ये है। पर मुझे लगता है कि जो स्वच्छता अभियान गवर्नमेंट ने छेड़ा है, हमें उसका कुछ तो फायदा लेके गांव गांव तक जो पहुंचने का जो एक मैसेज है, मैसेज अगर हम लोग सभी लोग मिलके उसको एक चेक ये कर ले, पॉइंट्स निकाल उसमें ऐड करे और गवर्नमेंट को अप्रेज कर दे कि भाई ये चीजें हमको करनी जरूरी है, दैट विल बी बेस्ट जी। रणाड़े साहब आपने बड़ी ही अच्छी बातें हमें बताई। मैं एक चीज़ यहाँ और कहना चाहूँगा, मुझे पता है कि आप एक सोसाइटी बहुत बड़ी सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारी पब्लिकेशंस है, बहुत बड़े डेटाबेसेस भी बने हुए हैं। तो हमारा सोशल सब्सटेंस में मुद्दा ही ये है कि जो साइंस के कई बार डेटाबेस बड़े बड़े बन जाते हैं वो सिर्फ साइंस के लिए रह जाते हैं। एक आम आदमी जब वहाँ जाता है तो इतने बड़े डेटाबेस में खो के रह जाता है। तो सोशल सब्सटेंस में हमारा एक मकसद, एक एम ये है कि अलग अलग दिशाओं से आके लोग बैठें, सरल सीधी भाषा में जो कंक्लूजन्स हैं, जो समस्याएं हैं, जो उसके बाद उसके सॉल्यूशंस हैं, वो सब एक सरल सीधी भाषा में एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। एक दूसरे के डेटाबेस को डेटाबेस से बात करवाना बड़ा ज़रूरी है कि एक जगह डेटाबेस पड़ा हुआ है, तितलियों का डेटाबेस एक जगह पड़ा हुआ है, सांपों का डेटाबेस एक जगह पड़ा हुआ है, तो वो डेटाबेस बहुत एक्सटेंसिव डेटाबेसेस हैं और उन डेटाबेसेस को बहुत मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ बनाया गया। लेकिन अब समय यह है कि आम जनता तक जब पहुंचाना है तो उनको आपस में एक बात करनी पड़ेगी और आम जनता के माध्यम से बात करनी पड़ेगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सर कि ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, कोलैबोरेटिव भी करेंगे, और भी लोगों को हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हम सब इकट्ठा होंगे और अपनी अपनी बातचीत को आगे रखेंगे। उसके बाद मेरे पास लिस्ट में सुखवंत एसराज जी हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। सुखवंत जी आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सर। एक्चुअली मैं कल भारत से ज्वाइन नहीं कर पाया मैं। जी हेलो। जी जी सुन रहे हैं। आपने एक बात कही थी अपने साथ में कि हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस की, पर सिर्फ फॉर्मलाइजेशन से नहीं आएगी, सर बहुत अच्छा रहा कि इनफॉर्मल एजुकेशन बहुत जरूरी है। जी बच्चों को अवेयर करना, पब्लिक को अवेयर करना, और मैंने देखा था कि सरपंचों की इलेक्शन हुई थी तो मोस्टली लोकल डिस्ट्रिक्ट में जो सरपंच आए थे वो सारे यंग थे। जी मेजोरिटी ऑफ द सरपंच देवा आई उनकी एज 30 से कम थी, और उसका हमें जो भी कहा था रिलेटेड टू एनवायरमेंट इन स्कूल एंड अराउंड स्कूल, उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया था वहाँ पर। जी तो ऐसे टारगेट ग्रुप पॉपुलेशन को अगर हम लें तो हमें बहुत हेल्प मिल सकती है। प्लस एक पॉइंट आया था कि हम स्कूल्स और कॉलेजेस के आसपास कौन से पेड़ लगाते हैं। जी सर क्या होता है कि हमारे पास स्कूलों में एवरी ईयर डिफरेंट एनजीओ होते हैं या कुछ दैनिक भास्कर वाले भी होते हैं, ये अपनी तरफ से अमरूद आम वगैरह दे जाते हैं, अराउंड यू कैन से 100-150 प्लांट्स होते हैं। तो आई डोंट नो ये कंपल्शन होती है, क्या होता है कि दे हैव टू सेंड द डाटा कि हमने इतने पेड़ लगा दिए। अब स्कूल की जमीन तो उतनी है, लैंड उतनी है, और उन्होंने सारे पेड़ लगाने और उनकी फोटोग्राफ खींच के भेजनी होती है, दैट इज मैंडेटरी इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो होता ये है कि जो पिछले साल के पेड़ होते हैं वो कहते नहीं हटा दो और जो नए वाले हैं वो लगा दो। ये तो बड़ा ही एक तरह का जुल्म है अपने ऊपर भी और हमारी सोसाइटी के ऊपर भी। लेकिन सुगंध राज जी ये जो मुद्दा है,
ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं चाहूंगा कि किसी दिन जी आप एज ए रिसोर्स पर्सन हमारा ये प्रोग्राम ज्वाइन करें। आप जो स्कूलों में स्थिति है, स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करें। हम उस दिन वहाँ को लिस्ट भी शेयर करें कि किस तरह के पौधे लगाने चाहिए, हम नेटिव प्लांट्स की जिक्र करें, किस तरह के क्या क्या समस्या आती है उनको लगाने में, क्या दायरे कवर किए जा सकते हैं, गांव में पेड़ भर कैसे लगाए जा सकते हैं, हम इसको एक प्रोजेक्ट की तरह के डिस्कस करें। मैं आपको ये दावत देता हूँ कि एज ए रिसोर्स पर्सन ये स्कूल लेवल पे हम क्या क्या कर सकते हैं इसको डिस्कस किया जाए। क्योंकि सर एक्चुअली ये चीज होती है, हमारे पास हर साल स्कूल फेस करते हैं। पिछले 2 साल कोविड के दौरान तो थोड़ा ये काम कम हुआ था, जी बिकॉज हमको इतनी ये जो ड्राई चौकी है प्लांटेशन वाली ये नहीं हुई है। अदरवाइज उससे पहले हर साल का ये होता है, एंड गवर्नमेंट आज के आपने पौधे कितने लगाए हैं, सो दैट वे ग्राफ फिगर दिखा सकते हैं कि हमारे स्कूल में इस साल इतने लगे हैं, लाखों पेड़ लगे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि लाखों पेड़ मेच्योर जो होते हैं रेयरली कुछ परसेंटेज हो जाती है, जी तो इसको थोड़ा ध्यान रखें कि प्लांटेशन तो हो बट थोड़ा सोच समझ के किया जाए। जी डेफिनेटली हम इसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे, जैसा मैंने आपको दावत भी दी है डेफिनेटली हम चलेंगे। तो अरुण वाले सर ने कहा है कि अब कंक्लूजन की तरफ हमें चलना चाहिए, तो मेरे पास दो और पार्टिसिपेंट्स हैं, लेट मी गो टू देम। मिस्टर जवाहर हमारे साथ हैं, प्लीज सर आप अगर कुछ कहना चाहते हैं अपना माइक ऑन करके कुछ कह सकते हैं। तेजिंदर जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं सर आप अपना माइक ऑन करके कह सकते हैं। नमस्कार मिस्टर अरुण मसल जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ सर। तो आलूवालिया साहब ने बहुत अच्छा मतलब सिंपल वे में ये जो बताया कि ये जो हमारे कंक्रीट में कवर कर दिए एक्सपोजर्स पिटी बेबी, मेरी भी आलूवालिया साहब से बात हो रही थी कि ये जो बद्रीनाथ में जैसे 4 लेन्स हाईवे बना रहे हैं जी, तो मतलब एकदम अभी जो सिटीज रहते हैं वही चाहते हैं कि एकदम हम उसी दिन जाएं और अगले दिन बद्रीनाथ से दर्शन करके आ जाएं। जी मेरे ख्याल से तो जब तक टूरिज्म जियो टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। जी मैं जापान में गया था तो उन्होंने वॉल्केनो पे भी जो वहाँ वॉल्केनो है जी टोक्यो के पास, तो उन्होंने उसको भी जियो टूरिज्म में कन्वर्ट किया हुआ है। जी तो गर्मी क्या हो रहा है, जैसे ही दिल्ली में गर्मी बढ़ती है जी लोग एकदम मई जून के महीने में एक ही दिन के अंदर 20-20 हजार लोग शिमला और मसूरी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जी तो मतलब इस प्रैक्टिस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि थ्रू आउट द ईयर आप आइए, मतलब मसूरी आइए, शिमला आइए, सिर्फ ये नहीं है कि आपने केम्प्टी फॉल में नहाया और वापिस चले गए। आप जो है वहां के जो जियोलॉजी है उसको भी समझाइए, तो हमें ये उसको प्रमोट करना पड़ेगा जी, गवर्नमेंट को हमें करना पड़ेगा। और ये जो है जैसे उन्होंने कहा कि काफी सीनियर जो प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट में हैं, तो उनको ये सब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा। जी और दूसरा ये है कि रिवर के अलोंग देखिए कितना जो है ये कंस्ट्रक्शन हो गया है। अभी ये किसी ने PIL लगाई थी देहरादून से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि अभी उतनी फ्लडिंग वगैरह ये सब आ रही है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए थे कि रिवर बेड के अलोंग 500 मीटर्स में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है हाईवेज भी जरूरी है, जैसे अब दिल्ली से देहरादून का ये 4 वे हाईवे बन गया है, लेकिन हमें ये प्लांट वे में करना पड़ेगा। हम जो है हाईवेज और डैम से रोक भी नहीं सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी भी मत दिखाइए कि आज ही जाए बद्रीनाथ और कल शाम तक दर्शन करके वापिस आ जाए। आप आराम से जाइए, टेंट में रहिए, अपना जैसे जियोलॉजिस्ट काम करते हैं उस टाइप के कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। अभी भी कई लोग अल्मोड़ा की तरफ जाते हैं, वहां पे टेंट्स बना रखे हैं, उससे जो है वहां के लोकल लोगों को भी वो मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। जी तो आप जाइए एक हफ्ते का टूर बनाइएगा, आप टाइम निकालिएगा साल में बच्चों के हिसाब से, और पूरा एक हफ्ते आप रहिए, आप धीरे धीरे जाइए। तो 4 लेन जाने की बजाय कि सुबह गए 300 किलोमीटर कवर किया, बहुत फास्ट जाना है क्योंकि रीजन तो फ्रेजाइल है। अभी जो जोशीमठ में वो हो गया, अभी बीच में जो ग्लेशियर का वो गिरा था उससे काफी नुकसान हुआ था। तो अगर आलूवालिया साहब हैं तो इसके बारे में अगर कुछ वो जी जी और बिल्कुल कहना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, मैं उनको कंक्लूजन के लिए बिल्कुल इनवाइट कर रहा हूँ सर थोड़ी देर में। बस एक लास्ट हमारे पास पार्टिसिपेंट है, मैं सबके क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, मैं चैट के भी पढ़ दूंगा, फिर हम उनको इनवाइट करेंगे ताकि वो कंक्लूड कर सके। कोविड-19 ने देखिए हमें बता दिया, हम सबको बंद कर दिया। जी कोविड-19 ने एक अच्छा लेसन दिया है, अगर हम एनवायरमेंट के प्रति जागरूक नहीं होंगे जी, ऐसे भाग दौड़ करते रहेंगे जी, तो हम जो है अंदर ही घर के अंदर कन्फाइन हो गए, कर्फ्यू टाइप हो गया पूरे वर्ल्ड में। जी जी तो अगर हम अब भी अवेकन नहीं हुए तो ये बहुत
जी जो है अपने आप इसे कंट्रोल कर लेगा। जी जी बिल्कुल, और हमारे ये सतत प्रयास रहेगा। सर ने जैसे आज कहा भी है, हम उन बातों को, पॉइंटर्स को जरूर आगे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे और जरूर उस लेसन को आगे पहुंचाएंगे। तो मेरे साथ विनीता खोसला जी हैं, प्रोफेसर खोसला जी, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज अपना माइक ऑन करके कुछ अपना कहिए। जी, तो मैं इसके बाद एक बार अरुणदीप आहलूवालिया जी को फिर से एक बार दावत दूंगा ताकि वो अपनी बात कह सकें और जो जितना उन्होंने सुना है पार्टिसिपेंट्स, उसको कंक्लूजन की तरफ ले जा सकें। सर प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, माइक आपका भी म्यूट है। अरुणदीप सर एक बार अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, आपका माइक म्यूट है, अभी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जब तक सर अपना माइक ऑन करते हैं, मैं एक बार जो जितना समझा आज के हमने इस लेसन के साथ, हमें ये समझ आया कि ये रोष तो सभी के मन में है, सभी के मन में था, सभी के मन में तब तक रहेगा जब तक हम वो विजिट करते रहेंगे, हमारे सामने चीज़ें एनवायरनमेंट की इस तरह से बिगड़ती रहेंगी। तो ये जो चीज़ें बिगड़ रही हैं, इसको संभालने का जिम्मेदारी भी हमारा ही है। और अरुणदीप आहलूवालिया जी ने बड़े बिल्कुल हमें तरीके से बताया है कि कैसे हम ही लोगों को करना पड़ेगा, और मंत्र भी हमें मिला है कि कुछ तो करना पड़ेगा, और डेफिनेटली हमें आगे जितना भी देख रहे हैं और लोगों को भी समझना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल पे जो वहाँ जा रहे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, स्कूल कॉलेजेस में समझना पड़ेगा, उनकी भाषा में बातचीत करनी पड़ेगी, लोकल लोगों को समझाना पड़ेगा, लोकल एक्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा बहुत बेहतर है कि अगर पॉलिसी मेकर्स वो भी इस पे एक्ट करें और जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो भी इस पे एक्ट करें। कुछ हमेशा हर पूरे 100% लोग या 100% जो एग्जीक्यूटर्स हैं वो खराब नहीं होते, उसमें से बहुत सारे लोग अच्छा सोचने वाले भी होते हैं, और कई बार होता है कि जानकारी के अभाव में भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो उन सब गलतियों से निपटने के लिए, पार पाने के लिए हम डेफिनेटली सबको सेंसिटाइज करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। अरुणदीप सर का क्योंकि माइक अभी ऑन नहीं हो पा रहा है, तो मैं एक बार चैट में जो लिखा है तब तक वो पढ़ देता हूँ। सभी ने तारीफ की है, जो तारीफ के शब्द हैं एक बार मैं वो नहीं पढ़ रहा। मैं जो किसी का कोई क्वेश्चन होगा या किसी ने कोई अलग से ऑब्जर्वेशन होगी वो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। रॉक एक्सपोजर के ऊपर जो कवरिंग द रॉक एक्सपोजर्स विद कंक्रीट सीमेंट, बहुत बड़ा सीरियस इशू लिखा गया है। एनक्रोचमेंट अलोंग द रिवर इज वेरी सीरियस इशू लिखा गया है। हाइडिंग जियोलॉजिकल एविडेंसेस, ओ यस, बहुत बड़ा एक सीरियस क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटी है ये। उसके बाद हमारे पास लिखा गया है, एक सहमत हुए हैं लोग एक दूसरे से, और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन इशित और दिशांत ने यहाँ पे कहा है। तो इस टॉक के साथ पूरे 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे से साथ हमारे दो बच्चे भी जुड़े हुए हैं, इशित और दिशांत, जो इन्होंने बहुत कुछ साथ कह रहे थे। इशित और दिशांत अगर कुछ कहना चाहेंगे तो एक बार माइक ऑन करके और कैमरा ऑन करके इशित और दिशांत अपनी बात कह सकते हैं। अरुणदीप सर मुझे बहुत जी, अच्छा सेशन लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, और मैं ऐसे और सेशन सुनना भी चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच दिशांत, आपकी बात हम तक पहुंची है और आपको बधाई भी दूंगा। पौने 2 घंटे से आप ये सेशन सुन रहे हैं और एक एक बात आपने सुनी है, और आपकी जो ऑब्जर्वेशन बीच में आप दे रहे थे, जो जियोग्राफी कैसे बना, सर जब बता रहे थे हिमालय कैसे बना, तो आप भी बहुत सारी चीज़ें हमें बता रहे थे पीछे। तो डेफिनेटली मैं भी आप लोगों से और सुनना चाहूँगा। अरुणदीप सर क्योंकि अपना माइक शायद ऑन नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, उनसे मैं अभी फिर माफ़ी चाहूँगा कि मैं उनको, क्योंकि हम उनको सुन नहीं पा रहे हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं उनको कंक्लूजन के लिए बुला सकूं। तो इसी के साथ, जैसा कि हम हर मीटिंग में करते हैं, सबसे पहले हम अपनी लाइव ऑडियंस से विदा लेंगे, फेसबुक को मैं बंद करूंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी इस जो मीटिंग है इसको भी ख़त्म करेंगे। तो पहले मुझे इजाज़त दीजिए मैं लाइव ऑडियंस से विदा ले सकूँ। जितने लोगों ने अभी हमें लाइव देखा है, सुना है, और जो इस प्रोग्राम को बाकी भी देखेंगे, जो बच्चे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इस प्रोग्राम को देखेंगे, सभी से आग्रह है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आज की ये बातचीत सिर्फ एक बातचीत ही